सब मैंने उसमें डाले हुए हैं। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंटेशन में चलेंगे और उसमें एक एक करके सारे इश्यूज आपके सॉल्व करते चले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो एक, फिर मैं तुमको एंड में एक जजमेंट्स की लिस्ट दूंगा कि अगर इफ़ पीपल वांट टू बिकम गुड प्रैक्टिसिंग काउंसल्स, जो टैक्स लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसी 30-40-50 जजमेंट्स हैं विच दे शुड रीड मेनी टाइम्स ओवर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो यू विल हैव अ मच बेटर एडवांटेज ओवर द अदर्स एंड यू विल बी एबल टू हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ लॉ। तो वो जजमेंट्स की कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अभी 5 मिनट वेट करें क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं कि चालू करें? सर 2-3 मिनट में शुरू कर देंगे सर। नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम, 2-3 मिनट में कर देते हैं। एंड आई एम हियर, मुझे बता दीजिएगा। जी सर। लॉगिन करवा दो भूपेंद्र जी। अब तो साइलेंस डिस्टरबेंस नहीं आ रही, वो तो ठीक है ना साउंड? ये सर सर की वहीं से थी सर डिस्टरबेंस, कुछ वहां पर कोई शोर है ऑफिस में। चलो उनको बोल देंगे। प्रवीण मदान जी वेलकम। नमस्कार। नमस्ते भूपेंद्र जी। सर कल आपकी वॉइस ऑडियोबल नहीं थी, आज ही कोई कुछ सजेस्ट कर दो। आज ठीक है? आज ठीक चल रही है आपकी आवाज। बस सर लीड मैंने चेंज कर ली शुरू में, मैं लीड की दिक्कत थी, मैंने 3 लीड रखी हुई, मैं कोई तो चलेगी। कल मौके पे नहीं चली। कोई नहीं सर, मेरी क्वेरी शॉर्ट आउट होगी, पर सेशन कल का सर मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग भी दोबारा से 2-3 बार सुनूंगा बैठ के आम से आते हुए। जरूर सर। हाँ, बहुत काम की थी। बिल्कुल सर, आज भी काम का फैक्टर, तो मैंने आज भी अजय जी हमारे बीच मौजूद है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मैं तो इस टाइम पे ना 4 से 6 अगले 5 दिन का स्लॉट 5 सेशन के लिए मैंने छोड़ा हुआ, कोई काम नहीं, कोई फोन नहीं इस टाइम पे। बुक कर लो पानीपत बरास के नाम। नहीं कर रखा है सर, बुक कर रखा है मैंने तो, तो मैंने अपनी टीम को भी दिया हुआ, मेरी टीम भी देख रही है इसको। वेलकम सर, वेलकम। घर से बैठ के घर पे अपना उनको ऑडी दे दिए, वो अपना घर पे बैठ के 2-3 ज्वाइन कर रखा है उन्होंने, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया टीम ने मेरी। तो मोस्ट वेलकम सर सबका। सुरेश सर सोनीपत ब्रांच हमारे साथ खड़ी है और नीतीश जी भी सामने से मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त मुस्कुराहट है नीतीश जी। ठीक है। और प्रवीण सर तो अपनी पूरी टीम के साथ मतलब हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। सभी भाइयों का बहुत वेलकम। करें सर स्टार्ट सुरेश सर, धीरे धीरे दो दिन हो जाए है ना। तो आज अजय सर को एक बार म्यूट कर देता हूँ। अजय सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर आप। अनम्यूट करो ना। हाँ जी वेलकम अजय सर। थैंक यू। तो शुरुआत करें सर। बिल्कुल करिए, साथ पढ़ दीजिए। यस सर। सर आपको सुनने के लिए बेताबी बढ़ती जा रही है, तो शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून और जय श्री राम। आज के दिन तो बनता है, और वैसे तो रोज ही बनता है लेकिन आज बड़ा खास दिन है। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ श्री राम, और हमारा तो एपिसोड भी है आयुष्मान भव के नाम से, तो मे लॉर्ड श्री राम हमारे को उधर से ब्लेसिंग देंगे। तो सर हम जो हमारे जो एपिसोड है आयुष्मान भव का सेकंड डे है, और आज हमारे साथ जो फैकल्टी सर जो जुड़े हैं, द ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर अजय वधवा जी, सी अजय वधवा, सीए प्लस एडवोकेट। सर मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं एड्रेस करूँ और आगे हैंड ओवर करूँ, मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सर ने 1987 में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड किया था, और उसके बाद तो 2010 तक इन्होंने प्रैक्टिस करी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद सर ने एडवोकेसी स्टार्ट करी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट डायरेक्ट टैक्स में, और उसके बाद सर मेरे पास लगभग 1.5 पेज भरा हुआ है सर इनके क्वालिफिकेशन का और इनके एक्सपीरियंस का।
तो मैं वो उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि अभी सभी आप सुन भी लेंगे कि एक एक वर्ड उनके मुख से निकला हुआ बड़ा कीमती और हम सबका इतना फायदा करवा देगा कि हम सभी जो है हेल्थ और वेल्थ से धनी हो जाएंगे। तो विद दीज ब्लेसिंग अजय सर और विद योर ड्यू परमिशन आई वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ पानीपत ब्रांच एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर प्रोफेशनल हु आर कनेक्टेड हियर। आप सब आपका सर तहे दिल से आपका स्वागत है सर। आपके बारे में बहुत कुछ सुना मैंने और मैंने कई बार यूट्यूब पे और टीवी पे भी और सीपी कमेटी में भी आपके काफी इंटरव्यू वगैरह सुने। तो इस चीज को देखते हुए मैं सर कई बार नितिन जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि नितिन सर कोई अरेंज करो, तो सर ने आपका नाम सबसे ऊपर लिया और उन्होंने कहा कि इतने जबरदस्त फैकल्टी मैं आपको दे रहा हूँ, आप एक बार सुन लोगे तो आपका मन चाहेगा कि दोबारा दोबारा आप इनसे सुने। तो सर आपसे बस एक रिक्वेस्ट और है, थोड़ा सा एक फेवर चाहिए कि हम सर जब भी आपका शेड्यूल काफी बिजी है सर, मैं जानता हूँ बड़ी मुश्किल से मुझे आपका शेड्यूल बिना है, बड़े मुश्किल से आपसे व्हाट्सएप पे थ्रू बातचीत हुई है। तो हम हर महीने शायद एक दो डायरेक्ट टैक्स का वेबिनार करेंगे, तो उसमें आपकी सर हमें ब्लेसिंग जरूर चाहिएगी। तो विद दिस हम स्टार्ट करते हैं सर आज का परमिशन आज का वेबिनार, लेट्स स्टार्ट और मूव करते हैं हमारे ब्रांच के चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी की तरफ, जो एक बार वेलकम करें हमारे गेस्ट का और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का। जी सर, ओवर टू यू सर। सुरेश सर, थैंक यू भूपिंदर जी। सबसे पहले तो मैं सभी मेंबर्स को राम जन्मभूमि भूमि पूजन के अवसर पर सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि आज हमारे लिए ये शुभ दिन आया है और इसी दिन शुभ दिन में आज हमारे साथ जो काफी अच्छी फैकल्टी मौजूद है अजय वधवा जी, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनके बारे में तो भूपिंदर जी ने काफी हद तक बोल दिया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तो सभी मेंबर्स उनको सुनने के लिए बेताब हैं। तो जितने भी मेंबर्स यहाँ पे पानीपत ब्रांच की तरफ से जुड़े हुए हैं या इस सेमिनार को देख रहे हैं दूसरी ब्रांच के, तो जो भी दूसरे ऑफिस बीरर हैं चाहे करनाल ब्रांच के हैं या सोनीपत ब्रांच के हैं, तो मैं उनका पानीपत ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो आप आज हमारे साथ जुड़े। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह आप हमारा सहयोग जारी रखेंगे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू चेयरमैन सर। और इससे पहले कि सर अजय सर मैं आपके फॉर्मेलिटी से बात करवाएं, और एक सर हमारे साथ एक यंग सीए हैं, सीए जयदीप धनखड़, वो स्टार्टिंग में ही कुछ पूछना चाहते हैं सर आपसे। और देखिए सर आपको सुनने के लिए इतने बेताबी, आपसे पूछने के लिए उनको मौका चाहिए था कि सर एक बार आए और हम कुछ पूछे सर से। तो सर वो बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछना चाहते हैं, आई थिंक रेलिवेंट हमसे कोई क्वेरी, तो ले लें सर अगर आपकी परमिशन। 100% क्वेरीज तो जो जब पूछना चाहे किसी भी तरीके से पूछना चाहे, मोस्ट वेलकम। आई थिंक सर ऑल ओवर इंडिया में ये फर्स्ट सेशन होगा जहां पर वेबिनार स्टार्ट नहीं और क्वेरी आनी शुरू हो। नहीं नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। पानीपत जो है इतिहास बनाने के लिए जाना जाता है, तो ये भी एक इतिहास है अपने आप में। वेरी गुड यार, टोटली। जयदीप जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जयदीप सर, मेरी क्वेरी ये है, जैसे जो विवाद से विश्वास स्कीम है सर, उसमें सर जो 31 जुलाई की जो कट ऑफ डेट दी थी उन्होंने, सर ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसको जो कट ऑफ डेट दी थी, एक्चुअली कुछ केसेस में ना मेरे क्लाइंट को ऑर्डर रिसीव नहीं हुए थे, तो मैं मतलब इनकम टैक्स ऑफिस गया और वहां जाके मैंने सर्टिफाइड कॉपी ली जो मतलब 31 के बाद की थी। मैं मतलब फरवरी में वहां पर गया, मैंने ऑर्डर लिए वहां से, तो क्या सर मैं एलिजिबल हूं, मैं अपील फाइल कर सकता हूं, विवाद से विश्वास में जा सकता हूं? अब ये बताओ कि जो तुम्हारे ऑर्डर्स हैं वो असेसमेंट ऑर्डर्स की बात कर रहे हो? यस सर, असेसमेंट ऑर्डर, आई एम टॉकिंग असेसमेंट। बट असेसमेंट ऑर्डर तो ब्रदर 31 दिसंबर तक पास होने थे। हां बट रिसीव नहीं हुए सर, वो क्लाइंट को नहीं मिले, तो मैं सर्टिफाइड कॉपी जो ली वो मैंने ली फेब में जाके उनकी। नो प्रॉब्लम, बिकॉज देखो आपका 31 को अगर आप आपका ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर तो 31 को हुआ होगा, अब आपको फिजिकली रिसीव नहीं हुआ, और क्योंकि रिसीव नहीं हुआ इसलिए आप अपील नहीं फाइल कर पाए, बट अदरवाइज द अपील इज ड्यू, एंड अपील अगर आप फाइल करते हो विद ए कंडोनेशन, कंडोन भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी गलती तो है नहीं, इजंट इट? सो इट वॉज नॉट योर मिस्टेक बिकॉज यू रिसीव द ऑर्डर लेट, it was the mistake of the department, it was not your, so therefore
यू आर परफेक्टली एलिजिबल अकॉर्डिंग टू मी, और आप अगर ये फैक्ट्स उनको सारे बता देंगे, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ 31st, which is 31st of January, your appeal was pending. ठीक है, it's only a technical issue and I don't think it'll come in your way. अब शुरू करूं ब्रदर? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू. तो बस एक रिक्वेस्ट सभी मेंबर्स पार्टिसिपेंट से है कि अपनी वीडियो सर अगर आप हो सके तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि सर को इंटरेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है सामने से. हाँ, ऑडियो म्यूट रखे सर और वीडियो ऑन करके रखे सर, ताकि पहचान बढ़ेगी सर. बहुत अच्छा. आज सर बहुत कम हमारे को यहाँ पानीपत में आज पहली बार वर्चुअली दर्शन हो रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट, आप वीडियो ऑन कर लीजिए और चाहे आप जहाँ से भी ब्रांच से हैं बस फॉर्मली बैठिए और सुनिए सर. जी सर, ओवर टू यू सर. और यू नो एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास 1.5-2 घंटे हैं, तो अगर मान लो कोई आदमी बहुत इम्पोर्टेंट उसके पॉइंट है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो दे कैन इवन राइट टू यू. जैसे भूपेंद्र जी को लिख दिया उन्होंने चैट में कि मेरे को बहुत अर्जेंट कोई क्वेश्चन पूछना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. या अपना हाथ भी ऊपर कर सकता है, यूं हाथ भी ऊपर कर सकता है, वी कैन इवन डू दैट. क्योंकि अगर हम इंटरेक्टिव रखेंगे और सब चीज समझते जाएंगे तो बेटर रहेगा. और दूसरी चीज ये है कि आप एक दो लोग अनम्यूटेड रहो, जैसे सुरेश जी रहे, भूपेंद्र रहे, ताकि आपका जो मुंडी है हिलती रहे, तो मुझे ऐसे लगेगा यार मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा. ठीक है, मुंडी तो सबकी हिलेगी सर, सभी कर रहे हैं. चलो ठीक है, और नहीं तो बड़ा बोर हो जाता है यार, आदमी कह रहा है क्या बातें कर रहे हैं, किससे बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ. अच्छा, अब मैं उसको फिर प्रेजेंटेशन लगा देता हूँ. जरा शेयर कर दीजिए, स्क्रीन को शेयर कर लो मेरे साथ. लो सर, आगे स्क्रीन आ गई. आगे सर, हाँ जी सर, हाँ जी. अच्छा ठीक है, तो अब इसको स्लाइड शो पे कर देता हूँ. एक सेकंड, ओके, आई थिंक अब क्लियर है ना? क्लियर सर. ओके, सो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. यू सी, वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू रियलाइज इज कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए प्रोफेशनल, एंड इन अकाउंट्स, इन ऑडिट एंड इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स देर इज नोबडी अहेड ऑफ हिम, इन द सेंस कि एक अल्टीमेट क्वालिफिकेशन है अकाउंट्स के ऊपर, एंड वी आर कंसिडर्ड टू बी एन अथॉरिटी ऑन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स एंड ऑल्सो इनकम टैक्स. इसलिए हमसे बेटर समझ रखने वाला और समझ सकने वाला और कोई नहीं है. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. आप कभी भी अपोलोजेटिक ना हुई कि भाई मेरी जो एक्सप्रेशन है बहुत अच्छा नहीं है, या मेरी ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत है. एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड, एवरीथिंग कैन बी सेटल्ड, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आई एम द बेस्ट. अब आप एक चीज देखिए भूपेंद्र जी, ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो नीचे लोअर रैंक से आते हैं, इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं या UDC ज्वाइन करते हैं. अब एक इंस्पेक्टर या UDC एक BCom है या BA है या BSc है, एक बैचलर है या MA, कोई अकाउंट्स की उसको इस तरह की थरो नॉलेज है नहीं. अब वो धीरे धीरे करके ITO बन जाता है, बट दैट डजंट मीन ही हैज दिस स्पेशलाइज नॉलेज दैट यू हैव. यू हैव मच मोर नॉलेज देन ही. IRS ऑफिसर है, 9 out of 10 जो लोग होते हैं उनको इनकम टैक्स का आई नहीं आता जब वो ज्वाइन करते हैं. कोई साइंटिस्ट आ रहा है, कोई इंजीनियर आ रहा है, कोई डॉक्टर आ रहा है, सो हम इसे सीखते हैं, दे आर रेडी टू. सो व्हाट आई एम द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट इज कि वी हैव ऑल द स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू बी अ गुड टैक्स काउंसलर. दूसरी चीज, अब मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं सारा टैक्स लिटिगेशन में काम करता हूँ, ट्राइब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट, CIT अपील, हर जगह जाता हूँ, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्दो मैंने एज ए एडवोकेट का एक ले लिया सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे जो अपने केसेस होते थे ITAT वगैरह वाले, मैं उसको हाई कोर्ट नहीं ले जा पाता था और मेरे केसेस तो चले जाते थे. सो आई सेड
If I have to go to the High Court, CA is not allowed to go to the High Court. Therefore, I have also taken the advocate's certificate. But let me tell you, Bhupinder, jo tribunal ki level tak chartered accountant facts ko marshal kar sakta hai, wo koi nahi kar sakta. Because facts ke upar agar hamari authority, hamari puri command hai aur authority hai, nobody can beat us. So therefore, as a chartered accountant, आपको फैक्ट्स में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है और फैक्ट बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए. तीसरी चीज, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी, असेसिंग ऑफिसर एक असेसमेंट एडजुडिकेशन की स्टेज है जिसके ऊपर आप कहते हो मेरी रिटर्न ठीक है, वो कहता है मेरी आपकी रिटर्न ठीक नहीं है, उसमें ये इश्यूज हैं, एंड इट डिसाइड्स एंड पासेस एन असेसमेंट ऑर्डर. उसके बाद आप जा रहे हो एक हायर स्टेप के ऊपर, विच इज एन अपीलेट स्टेप, अपील का स्टेप. No, in an appeal ka step, you are going before a quasi-judicial authority. A quasi-judicial authority ye authority hoti hai, jo government, department aur assessee ke beech mein disputes ko settle karti hai. To ye judicial authority ke paas ja rahe ho. Isliye, important cheez ye hai, that when you go there, you are very well dressed. Sabse achhi important cheez hai, achhi aapki bilkul spotlessly clean shirt ho, प्रेफरेबली समर्स हों या विंटर्स हों, टाई और एक कोट हो ऊपर, बड़ा उससे इंप्रेशन पड़ता है. यू शुड वेयर ए गुड परफ्यूम, यू शुड स्मेल वेल, अच्छा पेन होना चाहिए. आपकी इक्विपमेंट क्या है, व्हाट आर यू बेसिकली, आपके टूल्स हैं आपका ऑफकोर्स माइंड, बट अदरवाइज योर ड्रेस, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, your nice pen and a nice diary, your laptop, your iPad. So aapki is cheez ke upar investment best se best honi chahiye, kyunki first impression is the last impression. When you meet the commissioner, he should say, here is a man who I must listen to. Ye aadmi substance ka hai. And jo ek aadmi ki first presentation hoti hai, अगर बड़ी इंप्रेसिव और इंपोजिव है, देन ही गिव्स यू अ लॉट ऑफ अटेंशन, सुनता है आपकी बात. अगर आपकी आपकी एक अप्रोच या अपीयरेंस कैजुअल है, तो वो भी कैजुअल हो जाता है. दूसरी चीज, अगर आप बड़ा फॉर्मली ड्रेस्ड है एंड यू आर लुकिंग एट हिम इन द आई एंड टॉकिंग, वो आपको आपके साथ फालतू की बात नहीं करेगा, आपको जल्दी से डिसमिस नहीं करेगा. ही विल लाइक टू लिसन टू एवरीथिंग दैट यू हैव टू से. So therefore, brightly well-polished shoes, nice, soft, sober dress, good pen, computer, a nice handbag, a nice pad to write on, all these are the prime requirements for a good, presentable professional. ठीक है गोविंदर, ठीक है ये हमारी बात. अब हम आते हैं इस पर, कुछ कोई इशू है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन माय व्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. जिस तरह अपने दिमाग पे इन्वेस्टमेंट करता है, उसी तरीके से अपने फिजिकल अटायर, अपेयरेंस और प्रेजेंटेशन के ऊपर करना बहुत. अच्छा, तीसरी चीज, चौथी चीज, सॉरी, आपने एक बात कही कि हम लोगों की जो स्किल्स ऑफ राइटिंग है या एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट वेरी गुड. नाउ भूपिंदर, वाई इज इट नॉट वेरी गुड, क्यों? ये कोई रॉकेट साइंस है जो हमको समझ नहीं आएगी? आप अगर आपने डिसाइड किया है दैट यू आर नाउ गोइंग टू गो इनटू द प्रोफेशन एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से यू विल मेक मनी, तो आप अपने आप को रोज इंप्रूव क्यों नहीं करोगे? व्हाई विल यू नॉट, अगर आप टैक्स का काम करना चाहते हो तो एक जजमेंट रोज क्यों नहीं पढ़ोगे आप? क्या दिक्कत है 20 पेज पढ़ने में? अभी आपको लगेगा एक घंटा, उसके बाद लगेगा आधा घंटा, फिर 10 मिनट के अंदर आप 20 पेज पढ़ लोगे, इतनी आपकी हो जाएगी कैपेसिटी. व्हाई कांट यू डू दैट? नंबर टू, जब आप एक जजमेंट पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? अब उस जजमेंट के अंदर आपको रेशियो पता चल गया, उस जजमेंट के अंदर और केसेस भी साइटेड हैं, आप उनको भी पढ़ो. तो जब आपने एक जजमेंट पढ़ी और आपने जितने उसमें केसेस साइटेड हैं उनको भी पढ़ दिया, देन ऑन दैट इशू यू हैव बिकम ए मास्टर. नहीं, अगर आपने एक इशू के ऊपर 10 जजमेंटें पढ़ दी, उसी जजमेंट को पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आती है उसको बिल्कुल चाटना चाहिए, क्यों नहीं आप करते? तो वंस यू स्टार्ट टू डू दैट, then your language automatically improves.
आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, चेन ऑफ थॉट्स है, वो भी आने लग जाता है. स्लोली इंग्लिश में यू ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक एंड आर्टिकुलेट. सो दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस. फिर आपकी जो वोकैबुलरी है, आपकी जो अपनी डिक्शनरी है, इंप्रूव करने लग जाती है. जो चीज नहीं समझ आती देखो. एंड भूपिंदर, इट इज नेवर लेट, टू लेट टू स्टार्ट. आप कहें मैं 50 साल हो गया हूं, मैं आप क्यों करूं, वाई नॉट, यू कैन डू इट. बिकॉज हमारी जो जॉब है डबल है, डुअल. हमको क्लाइंट को भी इंप्रेस करना है. ही शुड बी willing to accept you as his counsel. He should appreciate your abilities, your understanding of his case, and also the commissioner appeal. Usko bhi aapne impress karna hai. To isliye aapko apne upar work karna padega, aur uska koi substitute nahi hai. And as already discussed with you, iske baad Ragini mere office se aapke saath ek judgment ki list share karegi. About 32 to 40 judgments hai, Supreme Court ki judgments hai. And I would expect कि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट आप सारी की सारी वो जजमेंट पढ़ी हो. बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट्स हैं, बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं. कि अगर सर्च होती है, सर्च के ऊपर जजमेंट है कि वैलिडिटी ऑफ ए सर्च. असेसमेंट्स के ऊपर जजमेंट है. अक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर जजमेंट है. इनकम को कब रियलाइज करना है उसके ऊपर जजमेंट है. ठीक है, सब्सटेंटिव जस्टिस के ऊपर जजमेंट है. सो वो सारी आप देखो. नाउ आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, नाउ आई विल गो ऑन टू द प्रेजेंटेशन. यहां पर भूपिंदर, अगर आपने मुझे रोकना है तो रोको. एनीथिंग यू वांट मी टू आस्क, टू वांट टू आस्क मी, प्लीज डू दैट. ओके, सो अब वी वांट गो टू माय प्रेजेंटेशन. ये दीज आर द सेक्शंस व्हिच डील विद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स. 246A, ये नोट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूं. सो देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, एवरीबॉडी विल हैव इट. 246A बताता है कि कौन से सेक्शन, कौन से ऑर्डर्स में अपील हो सकती है. जैसे 143 का स्क्रूटनी का ऑर्डर, उस पर अपील हो सकती है. 143(1)(a) की जो इंटीमेशन होती है, उस पर अपील हो सकती है. 153A जो सर्च के बाद असेसमेंट होती है, उस पर हो सकती है. तो दीज दे लिस्ट डाउन दी ऑर्डर्स अगेंस्ट विच यू कैन गो इन अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील. ठीक है, फिर 248 है. अब TDS है. आपने TDS काटा, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि आप TDS काटिए 20% पे. अब आपने काट दिया, बट यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर. यू फील द TDS डिडक्टेड शुड हैव बीन 10%. देन अंडर 248 यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ TDS ऑफ द असेसिंग ऑफिसर ऑल्सो. ठीक है जी. 249 फॉर्म ऑफ अपील एंड लिमिटेशन डिस्कस करता है कि 249 में दे रेफर टू अ रूल. रूल के अंदर लिखा है कि फॉर्म नंबर 35 में आप अपील फाइल करोगे. और फॉर्म नंबर 35 में लिखा हुआ, हम आएंगे उसके ऊपर, अपील किस तरीके से ड्राफ्ट होनी है, किस तरीके से फाइल होनी है. फिर सेक्शन 250 प्रोसीजर इन अपील, अपील फाइल होने पे कितनी फीस आपने देनी है, किस तरह से करनी है, एंड पावर्स ऑफ द कमिश्नर अपील. ये 5 सेक्शन हैं जो कमिश्नर अपील के की सब कुछ, जो कुछ अपील का है, सब उसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है साहब, अब आगे चलता हूँ. ये सारे ऑर्डर हैं जो मैं बता रहा हूं, जिसके अगेंस्ट अपील हो सकती है. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आप दोबारा देख लेंगे. सेक्शन से ही हमने कॉपी किया हुआ है. अब आ जाइए अपील का फॉर्म. अगर आप पहला पैरा देखें तो ये कर्सर दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर. सो फॉर्म 35, रूल 45. इनकम टैक्स एक्ट में एक तो एक्ट है जिसके अंदर सेक्शन है, और उसको सपोर्ट करने के लिए रूल्स हैं. रूल्स एंड प्रोसीजर है दैट हाउ द इनकम टैक्स एक्ट विल बी इफेक्चुएटेड, कि उसको इंप्लीमेंट कैसे होगा इनकम टैक्स एक्ट, वो रूल्स में है. तो फॉर्म 40, रूल 45 कहता है कि आप अपील जो फाइल करेंगे वो फॉर्म 35 के अंदर करेंगे. ठीक है सर. अब ये मैंडेटरी हो गया है कि जितनी भी अपील्स हैं दे विल बी फाइल्ड ऑनलाइन. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के अंदर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर्स, ये सारा प्रोसेस है विच आई डोंट थिंक इज वेरी, विच आई नीड टू एक्सप्लेन. क्यों जयदीप, ठीक है ना, ये अपील जो है फाइल कैसे होनी है. तुम भी यार जयदीप का भी वो कर दो भाई, इसने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, इसको अनम्यूट कर दो यार. क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ ना सर, कोई दिक्कत नहीं. तो ये भी हेलो करता रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा. और स्मार्ट लड़का है, हंस रहा है, खुश है. सो जयदीप, सो क्वेश्चन इज कि ये अपील ई फाइलिंग के थ्रू होनी है. उनका पोर्टल है, इट इज़ वेरी सिंपल.
आपने फॉर्म 35 फाइल किया, साथ में ग्राउंड ऑफ अपील फाइल कर दिए, और जिस तरह से मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो प्रोसीजर है दैट इज विद इन द पोर्टल एंड यू पीपल आई डोंट थिंक आई नीड टू गो इनटू दैट. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब मान लो एक क्वेश्चन है, पहला पॉइंट देखो, और ये जजमेंटें दे रहा हूं मैं सारी आपको इसके साथ, कि आपने अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं की, आपने बाय पोस्ट अपील भेज दी 30 दिन के अंदर. अब क्या वो अपील अनवैलिड है, इनवैलिड है? आंसर इज सीआईटी अपील कहेगा नहीं जी नहीं, आपको तो फाइल करनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिकली, यू हैव फाइल्ड इट फिजिकली, आई विल रिजेक्ट इट एज एन अपील विच इज टू बी डिसमिस्ड इन लिमिने, एज इफ की अपील फाइल ही नहीं. लेकिन हाईकोर्ट ने और आगे कई ट्राइब्यूनल्स ने यह कहा है कि आपको जस्टिस देना है भाई. अगर एक टेक्निकल डिफॉल्ट रह गया, टेक्निकल फॉल्ट रह गया कि उसने अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं की, लेकिन अपील वैसे फिजिकली फाइल कर दी, एक्सेप्ट इट. बट लेकिन वी शुड रिमेंबर नाउ ओनली इफ देयर इज अ बोनाफाइड मिस्टेक, यू हैव टू प्रूव कि मेरी भाई साहब ये जेन्युइन मिस्टेक थी, मुझे पता नहीं था, मेरे सीए को सीए से रह गया या मेरे अकाउंटेंट से रह गया. सीए का नाम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सीए सपोज टू नो कि अपील हैज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, सो यू हैव टू गिव रीजन. सो बट अगर ये गलती रह गई, इट इज ओनली अ टेक्निकल मिस्टेक, इट इज नॉट अ मिस्टेक विच विल रेंडर द इंटायर प्रोसीडिंग एज इनवैलिड. ओके ओके. अब ये जजमेंटें हैं सारी, तो आप कभी भी पढ़ लीजिए. इनफैक्ट जजमेंट्स भी हम आपको भेज देंगे, फुल टेक्स्ट है ना हमारे पास. इसके बाद जितनी भी जजमेंटें हमने रिलाई की हैं, आपके पास फुल जजमेंट पहुंच जाएगी, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा जब आपको समय मिले. अगर आप वो जजमेंट्स और ये सब पढ़ लेंगे तो यू बी मास्टर्स इन बिफोर सीएटी अपील, यू विल हैव नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट इज टू हैपन बिफोर सीएटी अपील. अच्छा, अब दूसरी चीज, ये वाला जो मैंने पॉइंट कहा है कि पॉइंट नंबर 3, कि अगर मैनुअली फाइल अपील हो गई, इट कांट बी डिसमिस्ड बिकॉज हाइपर टेक्निकलिटी शुड नॉट कम इन द वे ऑफ जस्टिस. पॉइंट समझ आ गई, हाइपर टेक्निकलिटी शुड नॉट कम इन द वे ऑफ जस्टिस. अच्छा, अब सपोज द पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ, ही हैज डाइड, नाउ ही कांट फाइल एन अपील, लेकिन अपील फाइल होनी है, तो लीगल एयर कैन फाइल एन अपील, उसका सर्टिफिकेट साथ देना चाहिए. अगर उसका सर्टिफिकेट लीगल एयर का नहीं लिखेंगे तो अपील इज डिक्लेयर इज टू बी कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड. बिकॉज यू सिंपल प्रिंसिपल है जयदीप, दैट यू कैन नॉट फाइल एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ डेड पर्सन. इफ अ पर्सन इज नॉट एग्जिस्टिंग, देन देयर इज नो प्रोसीडिंग दैट कैन हैपन बिफोर हिम. ठीक है, ओके, लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट. ये भी टेक्निकल इशू है. हाँ, अब फॉर्म 35 के अंदर क्या है, क्या आप भरना है, हमने पॉइंट लिख दिए. आपने भरनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम एड्रेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर ऑर्डर, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील किया, असेसमेंट ऑर्डर है, कौन से सेक्शन में ऑर्डर हुआ है. मान लो 143 में हुआ तो 143 लिख दीजिए और डेट डाल दीजिए. एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है 144, डेट डाल दीजिए. 153A हुआ है 153A लिखिए. फिर वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी और कितनी अपीलें पेंडिंग है फॉर्म 35 में उस सीआईटी अपील के पास, तो उसका असेसमेंट ईयर और पेंडिंग अपील भी लिखिए. ठीक है, फिर आपको ये लिखना है एडिशन क्या है, डिसअलाउंस क्या है, कितनी एडिशन है, ये सारी डालना है. टैक्सेस कितने पे हुए हैं. अब अपील के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भूपेंद्र जी, कि जो टैक्स आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में कहा है कितना मेरा टैक्स बनता है, रिटर्न ऑफ इनकम में, अपील फाइल करने से पहले वो टैक्स जरूर पे होना चाहिए. वो टैक्स नहीं जो एडिशन होती है ना, उसका नहीं, लेकिन जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम में सेल्फ आपने असेस किया अपने आपको, वो टैक्स जरूर पे होना चाहिए. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अरे आप रिटर्न फाइल करते हैं, समटाइम्स यू डोंट पे द टैक्स, नहीं है पैसे, आप फिर भी रिटर्न फाइल कर देते हैं. बट इफ यू डू नॉट पे दैट अमाउंट विच यू हैव एडमिटेड टू बी टैक्स पेबल ऑन द इनकम रिटर्न, योर अपील cannot go through. ठीक है, ओके. फिर ये grounds, अपील फाइलिंग के डिटेल एंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन. नाउ फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन में ग्राउंड नंबर जो 35 होता है उसके नीचे वेरिफिकेशन आपने साइन करने होते हैं कि भाई ये मैं स्वेयर करता हूं ऑन ओथ कि मैं ही हूं जो साइन कर रहा हूं. अगर कंपनी है तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर को साइन करना है,
मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर की अथॉरिटी पे साइन करना है, तो साइनिंग का होता है, ठीक है साहब, और चलान आपने जो पेमेंट करनी है। अब ग्राउंड ऑफ अपील है, अब आप बिंदर जी आपका पॉइंट था ग्राउंड ऑफ अपील पे, ग्राउंड कैसे लिखना है। अब एक सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन ये ली है कि असेसमेंट के टाइम पे आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस के डिटेल दिए असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि साहब ऐसा है, इस डिटेल में मुझे ये बताइए कि जो आपने स्टाफ वेलफेयर, टैक्सी, टू एंड फ्रो चार्जेस हैं, इसकी क्या एविडेंस है। हमने कहा भाई ऐसा है, टैक्सी की जो एविडेंस है वो एविडेंस थोड़ा मैं दे सकता हूँ, तो मेरा इंटरनल वाउचर है, मेरा स्टाफ गया दिल्ली से, दिल्ली के अंदर दरियागंज से आईटीओ, उसे लिख दिया वाउचर पे कि मैं यहाँ गया हूँ, उसे रिसीव दे दी, मैंने पे कर दिया, तो उसकी कोई मेरे पास एक्सटर्नल इनवॉइस तो होती नहीं। अब असेसिंग ऑफिसर कहता है कि नो, सिंस यू हैव नॉट गिवन मी एक्सटर्नल एविडेंस, आई विल मेक एन एडहॉक डिसअलाउंस ऑफ 50 लाख रुपीज। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। अब इसका हम ग्राउंड क्या बनाएंगे। नाउ ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ अपील और फैक्ट्स में डिफरेंस है। ग्राउंड इज आप किस इशू को चैलेंज कर रहे हो, तो आपने बड़ा ब्रीफ ग्राउंड होना चाहिए, उस ग्राउंड के अंदर सारी बात आ जानी चाहिए। अब आपका आपका चैलेंज क्या है, आपका चैलेंज, आपका ग्राउंड क्या होगा इसमें, द लर्नेड असेसिंग ऑफिसर हैज अर्ड इन लॉ एंड ऑन फैक्ट्स इन मेकिंग एन एडहॉक डिसअलाउंस ऑफ ₹50 lakhs without considering the details filed in respect of miscellaneous expenses, period, khatam। aapne keh diya ki humne usne ye hamara ground hai ki miscellaneous expenses mein usne ad hoc disallow ad hoc addition kar di hai bina hamare details ko consider kiye hue, finished, ye ground hai। ab is ground ke upar aap apni puri kahani likhoge, lekin appeal mein kahani likhne ki zarurat nahi hai, ग्राउंड में लिखने की जरूरत नहीं है, सबमिशंस में लिखने की जरूरत है या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में लिखने की जरूरत है। एम आई क्लियर जयदीप, एम आई क्लियर भूपिंदर जी, भूपिंदर जी आप भी यस बोल दो, सर मत बोलना। क्लियर, क्लियर सर, यस। तो इसलिए ग्राउंड ऑफ अपील हैज टू बी वेरी ब्रीफ। अच्छा, अब आपकी सर्च हो गई, भगवान ना करे सर्च में कुछ नहीं मिला, लेकिन सर्च के बाद असेसमेंट होगी 153A के अंदर, 6 साल आपके असेस होंगे ही होंगे। अब आपका आप ग्राउंड ये लेना चाहते हो, देयर इज अ जजमेंट ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेरियस अदर हाई कोर्ट्स वेयर दे से इफ देयर इज नो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, नो असेसमेंट कैन बी मेड अंडर सेक्शन 153A ऑफ द एक्ट। मीनिंग देयर बाई कि अगर आपकी कोई एविडेंस नहीं मिली तो आपकी असेसमेंट नहीं होगी ये वाली, ये काबुल चावला की जजमेंट है। अब ग्राउंड क्या लिखोगे, ग्राउंड में सिंपली आपने लिखना है लीगल ग्राउंड, द लर्नेड असेसिंग ऑफिसर हैज अर्ड इन लॉ इन डिसरिगार्डिंग द फैक्ट दैट नो एविडेंस वॉज फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च एंड इन स्पाइट ऑफ द सेड फैक्ट ही हैज प्रोसीडेड टू मेक एडिशन पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 153 ऑफ द एक्ट एंड पीरियड। समझ आ गई, तो ये लीगल ग्राउंड हो गया। उसके नीचे बेशक अगर आपने लिखना है दिस इज कॉन्ट्ररी टू द जजमेंट ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट इन द केस ऑफ काबुल चावला, ये भी लिख सकते हो, लेकिन पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं कि मेरी सर्च इस दिन को हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, दिस इज नॉट द ग्राउंड। अगर आप ऐसे ग्राउंड लेते हो तो सेट अपील कैन से कि भाई आप ग्राउंड मॉडिफाई करके लाओ, आपकी अपील डिफेक्टिव है, बिकॉज ग्राउंड मीन्स सिंपल इशू। क्लियर, वी विल ऑल्सो गिव यू एक मॉडल अपील के ग्राउंड आपको देंगे विच यू कैन ऑल्सो यूज। फिर उसमें एक कॉलम होती है भूपेंद्र जी और जयदीप जी, जिसमें लिखा होता है फैक्ट्स भी लिखो फॉर्म 35 में। वो फैक्ट्स हम बड़े डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हम नहीं चाहते ये ग्राउंड जो होता है एओ के पास भी जाता है कि असेसिंग ऑफिसर को सारा पता चले हमारे पास क्या है, क्या बारूद है, हम तो उसको बताएं, हम तो सीएटी बिल को बताएंगे। तो इसमें थोड़े से फैक्ट्स लिख देते हैं और लिख देते हैं कि बाकी जो फैक्ट्स हैं हम एट द टाइम ऑफ हियरिंग देंगे। क्लियर, तो बेटर यही है एक दो पेज में फैक्ट्स लिख दीजिए ब्रीफली कि इसमें ये फैक्ट्स में क्या लिखेंगे कि असेसमेंट हुई, एडिशन अंडर दीज हेड्स वर मेड,
We filed details on such and such date. The assessing officer did not consider the details and proceeded to pass an assessment in such and such matter on such and such grounds. ठीक है? चलूँ आगे? Okay sir. ये अपील फाइल करने की फीस है 500. अगर 2 लाख से कम की असेस्ड इनकम है, 2 लाख से ऊपर की इनकम है तो 1,000 रुपया पेनल्टी वगैरह, ये सबकी अपील है. नॉट ए प्रॉब्लम, ये आपके पास है, इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर. अब इस पे पॉइंट आ जाता है तुम्हारा भूपेंद्र, जो तुमने क्वेश्चन पहले पूछा था कि अब जैसे जयदीप ने कहा कि जी मेरा असेसमेंट तो 31 दिसंबर को हो गया, ऑर्डर मेरे पास आए नहीं, और मुझे पता चला फरवरी में कि मेरा ऑर्डर हो गया. अब तुम इसमें क्या करोगे जयदीप? अब अगर मान लो तुमको ये पता चलता है तो तुम्हें इमीडिएटली एक लेटर लिखना चाहिए असेसिंग ऑफिसर को, डियर सर, आई लर्नड that an order of assessment has been passed in such and such case. This is because the said case was getting time barred for assessment on 31st of December 2019, full stop. However, I have still not received the order of assessment and I therefore request you to serve a copy of the same to me at the very earliest. ठीक है? अब ये लेटर आपने फाइल कर दिया, इसका मतलब हो गया आपने आपके पास नहीं मिला. अब आप उसके पास जाते हो असेसिंग ऑफिसर के पास, वो आपको कहता है ये ले फोटोकॉपी और आप इस पर रिसीट दे दो. सो यू गिव योर रिसीट, फोटोकॉपी ले ली. अब अपील आपकी जो टाइम पीरियड चालू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट होगा, इट विल नॉट बी फ्रॉम द डेट ऑफ 31st. ठीक है जयदीप? सो ये चिट्ठी लिखनी बड़ी जरूरी है दैट आई हैव नॉट रिसीव द ऑर्डर, क्योंकि सीआईटी अपील कैन आस्क यू कि भाई 31 दिसंबर का ऑर्डर हो गया था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच का टाइम है, ई डिस्पैच का टाइम है, और स्पीड पोस्ट भी जो है 24 घंटे के अंदर पहुंच जाती है, आपके पास ऑर्डर सर्व हो गया होगा, आपने 2 महीने बाद क्यों फाइल किया? तो तब आप कह सकते हो कि साहब मैंने एओ को लिखा था, एओ ने फिर मेरे पास दोबारा उसे सर्व किया, इस डेट को मुझे सर्व किया, ये मेरे पास रिसीट है उसकी, एंड देयरफॉर द लिमिटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है? अब एक और रीजन हो सकता है अपील का. नाउ एक रीजन ये है कि ऑर्डर जो है आपके क्लाइंट के पास आया, आपके क्लाइंट ने कहा कि यार ये क्या है, ये था क्या गवर्नमेंट की चीज आ गई, अच्छा भाई दे देना. उसने अपने चौकीदार को कहा कि भाई या अपने स्टाफ में कहा कि भाई ये सीए को दे देना, भूल गया. नाउ उसका जो चौकीदार है या उसका सेक्रेटरी है भूल गया आपको देना, 2 महीने निकल गए, आपको सडनली नोटिस आया डिमांड का, या आपने पोर्टल में देखा कि ऑर्डर हुआ है, टाइम निकल गया है. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो अगेन एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्टिनेशन ऑफ डिले. जब आप अपील फाइल करें क्योंकि वो डिलेड है, यू विल आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कॉन्टिनेशन ऑफ डिले. अब कॉन्टिनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन में क्या जाएगा? डियर सर, सब्जेक्ट हम्बल रिक्वेस्ट for coordination of delay in filing of the appeal. Appeal for assessment year such and such, in the case of such and such, appeal number such and such. Pura. ठीक है? नीचे. Your Honor, we humbly submit that there has been a delay of 30 days in filing the appeal, the captioned appeal, full stop. The date of the order is such and such, and the appeal ought to have been filed on such and such date. It is therefore delayed by such and such. Sab batao. The reason for the delays are as follows. Phir aap usme likhiye ki sab isme the assessee is not an educated man. We have learnt that he probably received, somebody in his house received an envelope containing the order, and perhaps because of a shifting in their house or some reason or some illness in their house, the order was placed, kept at certain at a place, and they forgot, they omitted inadvertently to furnish, to send the copy of the order to us, to the chartered accountant. Okay?
when we opened the portal and found that an order has already been passed, we immediately intimated the SSE. He found out the order and handed it over to us only yesterday. Within 2 days, we have prepared the appeal and have filed the same before you. अब इसके साथ ये तो लेटर हो गया आपका जयदीप, उसके साथ आप एसएससी की एफिडेविट भी लगा दो, लगा दो कि भाई ये सारे फैक्ट्स लिखते हुए कि साहब ये मेरे साथ हुआ। और उसके नीचे अब हम आपको बताएंगे कई जजमेंटें हैं जिसमें कॉन्डिनेशन ऑफ डिले में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भाई आप बहुत ज्यादा उसमें फंसी मत हो, इफ समबडी हैज मेड अ मिस्टेक गिव हिम consider it as a technical default and condone the delay. ठीक है, आगे चलूं? जी सर। ओके, सेक्शन 249(3) के अंदर उसकी पावर है सीआईटी अपील की टू कंडोन द डिले एंड एक्सेप्ट द अपील। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर मैंने कई रीजंस दिए हैं, इन रीजंस पे डिले कंडोन हो जाता है। एक तो पहले आपको सफिशिएंट कॉज एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि क्या रीजन था, सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट कॉज क्या होता है दुपेंद्र जी? वो ये होता है कि एक रीजनेबल आदमी को डिले का कारण समझ आए। अब मैं अगर आप कमिश्नर अपील और आपको कहता हूं कि भाई साहब मेरे एसएससी के घर में कोई रिलेटिव की डेथ हो गई थी, उसके लिए वो चला गया था, इसलिए उसका जो ऑर्डर आया वो हमको दे नहीं पाया और सीए फाइल नहीं कर पाया, नो, ये आप एक रीजनेबल आदमी हो, आपको समझ आएगी कि हाँ यार ये बात ठीक है। इफ देयर इज अ डेथ इन द फैमिली द पर्सन मस्ट हैव गॉन टू परफॉर्म द फाइनल राइट्स एंड द डिले इज जस्टिफाइबल। समझ आ गई? सो सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। फिर एक जजमेंट है जो अभी ये पॉइंट नंबर टू पे है, आइटम नंबर टू पे, अगर ये जजमेंट नहीं पड़ी डिले के ऊपर तो कुछ नहीं पड़ा। दिस इज द बेस्ट जजमेंट ऑन व्हाट द कोर्ट शुड डू, हाउ द कोर्ट शुड लुक एट केसेस वे देयर इज अ डिले। और ये जजमेंट कहती है कि जब टेक्निकल कंसिडरेशंस और सब्सटेंटिव जस्टिस में झगड़ा होता है तो सब्सटेंटिव जस्टिस हैज टू प्रिवेल, मीनिंग देयर बाई अगर टेक्निकल डिले की वजह से कोई अपील आपकी है उसको खटारे में मत डालो। If there is a delay, condone it. If there is a reasonable cause, ज्यादा फंसी मत हो। ठीक है जी? ओके भूपेंद्र जी सर। फिर यह है डिले के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एसएससी का बिजनेस खत्म हो गया, नीचे देखो रॉयल एयरवेज डिले है, खत्म हो गया बिजनेस, स्टाफ भाग गया, चिट्ठियां आ रही हैं वो नहीं सर्व हो पा रही, पैसे नहीं है, कुछ भी, इलनेस ऑफ ए डायरेक्टर सफिशियंट कॉज, काउंसिल की एडवाइस वो भी सफिशियंट कॉज हो सकता है। ठीक है, आगे चलूं? जी। तो ये सारी जजमेंट्स हैं, देख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले के ऊपर। फिर मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो एडमिटेड टैक्स जो रिटर्न ऑफ इनकम में जो आपका टैक्स है वो फाइल होना चाहिए, किसी भी हालत में पे होना चाहिए। ठीक है, नाउ सपोज आपका एडमिटेड टैक्स था रिटर्न ऑफ इनकम जब आपने फाइल की 2 लाख रुपया, आपने 1.5 लाख पे किया, ठीक है, और आपने अपील फाइल कर दी। अब सीआईटी अपील का नोटिस आ गया कि भाई आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं है, आपका तो 50,000 रुपया शॉर्ट है, तब क्या करोगे? डिसमिस हो जाएगी क्या अपील? क्वेश्चन इज यस इट कैन बी, लेकिन अगर आप उसी समय 50,000 रुपया पे कर दोगे एंड विल रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स टू द कमिश्नर अपील कि साहेब उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने ये कर दी, मेरे से गलती हो गई, मेरी अपील को आप बर्खास्त मत कीजिए, मैं पैसे अब पे कर रहा हूं, एंड यू आर गिविंग हिम अ रीजन, ही विल एडमिट द अपील। ठीक है, ये फेटल नहीं है, ये नहीं है कि इस अगर आपने टैक्स नहीं पे किया एडमिटेड टैक्स तो आपकी खत्म हो गया सारा कार्यक्रम, ऐसा नहीं है। तो ये क्योरेबल डिफेक्ट है, हाँ ये क्योरेबल डिफेक्ट है, और ये सारी जजमेंट्स हैं जो मैंने इसके ऊपर दी हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है भूपेंद्र जी कि अपील में फाइल कर रहा हूं, मैंने टैक्स नहीं पे किया अपनी रिटर्न इनकम पे, मेरा पैसा जमा है, रिफंड आ रहा है मेरा, और वो रिफंड जो है वो एडजस्ट ही किया, कैन यू डू दैट? आंसर इज यस। ये लास्ट केस देखो,
नीचे एंडेवर इंडस्ट्रीज, उसमें लिखा है ह्यूज रिफंड ड्यू टू द एसएससी, एंड उसने फिर आपको कहा कि साहब मेरा रिफंड है उसको एडजस्ट करो, तो सीआईटी अपील उसके ऊपर एक व्यू ले सकता है एंड ही कैन गिव दैट रिलीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। लेकिन हाँ हाँ बताओ, एक्चुअली कुछ नहीं थी, जैसे क्लाइंट ने सर हमारे को अपील के लिए डॉक्यूमेंट दिए, मान लो मेरे को दिए, और मैं उसको टाइम से फाइल नहीं कर पाया जो भी रीजन रहा, फिर वो दूसरे किसी प्रोफेशनल के पास जाता है सी ए एडवोकेट, तो वहाँ से अगर वो अपील फाइल करते हैं तो कंडोनेशन के लिए, तो उसके लिए क्या रीजन होगा सर जो वो प्रोफेशनल डालेंगे? देखो उसमें क्या है कि जितने ज्यादा लोग अलाओगे उतना दिक्कत हो जाएगी। नॉर्मली क्या करते हैं, असेसी ये लिखता है, देखो सीए को एफिडेविट नहीं देना चाहिए कोई भी। आप मान लो भूपेंद्र जी मैं असेसी हूं, आपने मेरी अपील फाइल करनी थी, अब आपने नहीं की, तो मैंने कहा वापस दीजिए और मैं जयदीप को दे रहा हूं। अब अगर मैं सारी बात को खुलासा देता हूं कि जी मैंने भूपेंद्र को दिया था, भूपेंद्र से मेरा झगड़ा हो गया, उसने फीस ज्यादा मांगी, मैं नहीं पे कर पाया, इसलिए मैंने फिर अपील वापस ले ली और फिर मैंने जयदीप को दे दी, एक तो ये भी बात है। अगर ये फैक्ट है तो फिर उसको एविडेंस दिखानी पड़ेगी कि आपकी चिट्ठी आई कि मैं तो अपील फाइल करता, बिकॉज यू आर नॉट पे, दैट इज ऑल राइट, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है भाई, बट दिस विल हैव टू बी कॉरोबोरेटेड बाय एविडेंस एंड एविडेंस बाय भूपेंद्र दीक्षित writing to the SSC that I am not willing to prosecute your appeal if you, unless you pay me this, unless you agree on this fee. Agar aap ye sari sequence likhte hain to this constitutes a sufficient cause. Theek hai? Dusra reason ye hai, aap ye bhi keh sakte hain ki dekhiye I went to Bhupinder ji for filing the appeal. I was not satisfied in the manner in which the appeal was drafted. I got a second opinion from Jaydeep Shankar and who gave found numerous mistakes. Here is the evidence of the first appeal drafted by Bhupinder and here is the evidence of Jaydeep. Keh sakte ho. Question is, as long as aap ka jo reason hai wo ek normal aadmi ko samajh aaye. Ab ek reason ye hai ki maine Bhupinder ko di, maine to time pe de di thi, usne file nahi ki. Now this is neglect, because Bhupinder is a chartered accountant, he knows the law. If he has not filed the appeal, then unless he has reasons ki maine apne employee ko di thi, wo bimar ho gaya, covid ke andar down ho gaya aur wo kagaz leke chala gaya, ye uska affidavit hai, jab wo aaya to mujhe pata chala, unless you are able to give reasons. Otherwise the mere fact that the appeal has not been filed because of the negligence of the counsel may not be a sufficient ground for condonation of delay. ठीक है? ठीक है सर. आगे चलो. Any yes, any sir. Other question? No sir. Okay. अभी ठीक चल रहा है? You think I'm clear with everybody? No, बिल्कुल perfect sir. Okay. अच्छा अब power क्या है CIT appeal की? फटाफट देख लेते हैं. अब आप सीएटी अपील के पास गए स्मार्ट बन के टाई लगा के सूट डाल के, पहला है कि जी टाई डाल के जाओ कि साहब फर्स्ट हियरिंग है, सब मैंने एक लंबी लिस्ट दी हुई है, आई एम नॉट ए रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द असेसी, ही हैज गिवन मी दिस फाइल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एन अपील, आई हैव आस्क्ड फॉर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ही इज ट्राइंग टू कलेक्ट इट, it will take another 10-15 days to collect it, kindly give me 3 weeks. Perfect. Deo. So you can, and he can grant you adjournment. Phir aapka kya hai, delay in filing of appeal, wo bata diya maine aapko, power hai uske paas. Ab ek teesri cheez kya hai, CIT appeal ke paas teen power hai. Power number one, aapki appeal ko allow kar de ki sari delete hogi edition. Theek hai ji? पावर नंबर टू, कंफर्म हो गई जो एडिशन डाली है हम आपके अगेंस्ट कर देते हैं, वी कंफर्म द एडिशन मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर. ठीक है, तीसरी पावर कि आपकी एडिशन जो थी 100 रुपए की
100 की नहीं होनी चाहिए, 200 रुपए की होनी चाहिए, ये पावर भी है उसके पास। वो हम देखेंगे कैसे वो एक्सरसाइज करता है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एनहांसमेंट। कई बार ऐसा होता है सर मुंडाए ओले पड़े, आप तो गए 100 रुपए पे लड़ने के लिए, वो कहता है नहीं 100 नहीं 200 होने चाहिए। है, होता है, होता है। तो दिस इज द पावर ऑफ एनहांसमेंट। लेकिन उस पर एक पावर नहीं है, वो ये है कि ये नहीं कह सकता इज सेट असाइड द ऑर्डर फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू फ्रेम अ फ्रेश ऑर्डर, वो नहीं कर सकता। वो या आपके फेवर में करेगा या अगेंस्ट में करेगा या एनहांस करेगा, बस। ये नहीं कह सकता कि एओ के पास दोबारा भेज दिया, दोबारा करके भेजियो। लेकिन वो क्या कर सकता है, रिमांड रिपोर्ट मंगा सकता है कि आपने सबमिशन दी, एडिशनल एविडेंस दी, आपने कई नए फैक्ट्स डाले, वो एओ के पास भेजेगा कि भाई ये सारी चीजें बोल रहा है एसएससी, तू देख ले तेरा क्या व्यू है। तो एओ रिमांड रिपोर्ट अपनी लिख के भेजेगा कि साहब इसने ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये ठीक नहीं कह रहा, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक नहीं कह रहा, हर पॉइंट पे। तो वो रिमांड रिपोर्ट आपको देगा सीएटीपी की, भाई देख एओ तेरे पॉइंट पे ये कह रहा है। आप उसका फिर जवाब दोगे कि नहीं रिमांड में भी वो गलत कह रहा है। ये जब सारी एविडेंस आ जाएगी सीएटीपी के पास तो फिर वो ऑर्डर करेगा। अंडरस्टूड? ओके। फिर सीआईटीपील के पास पावर है 131 में, समन कर सकता है। आप कहते हो कि देखो ऐसा ऐसा, ये जो मैंने कमीशन दी है 50 लाख रुपए की, ये जेन्युइन। असेसिंग ऑफिसर कहता है कि नो इट इज नॉट जेन्युइन, आई हैड समंड, नो आई हैड आस्क्ड द असेसी टू प्रोड्यूस द पर्सन टू हूम कमीशन हैड बीन पेड, ही डिड नॉट प्रोड्यूस। अब आप सीआईटीपील के पास जाते हो, सीएटीपील कहता है तुमने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, 50 लाख की कमीशन दी थी तुमने। आप कहते हो साहब अब कर सकता हूं, कर सकता है, अच्छा ठीक है। सीएटीपील हैज द पावर टू इशू समन्स एंड कॉल द पार्टी एंड टेक एविडेंस, ठीक है। नॉर्मली ये कहते हैं कि जो असेसिंग ऑफिसर है और सीएटीपील है उसकी पावर को टर्मिनस है, एक जैसी पावर है, कुछ डिफरेंस है लेकिन एक जैसी पावर है। एडिशनल ग्राउंड आपने नहीं, मान लो आपसे गलती से रह गया फॉर्म 35 में ग्राउंड डालना, वो एडिशनल ग्राउंड भी डाल सकते हो आप। एडिशनल एविडेंस डाल सकते हो, जो आपने एविडेंस दी थी एक पॉइंट के ऊपर एओ के पास, आप एक्स्ट्रा एविडेंस भी डाल सकते हो। समझ आ गई? चलू आगे? सर एक क्वेरी है अगर आप कहें तो। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। दीपेश गाडा जी ने क्वेरी पूछी है सर, इफ देयर इज एडिशनल एविडेंस सबमिटेड बाय द अपीलेंट, शुड सीआईटी अपील कंपल्सरली रिमांड द मैटर टू एओ फॉर कंसीडरिंग एडिशनल एविडेंस। इनका पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर वो 10 मिनट की शांति और कर लें तो एडिशनल एविडेंस के ऊपर मैं पूरा 15 मिनट बोल दूंगा, ठीक है सर, आगे बढ़ लूं क्योंकि मैं आने वाला हूं, ठीक है। अब और पावर क्या है उसकी, स्टे, पेनल्टी, रेक्टिफाई, डिसमिस इन डिफॉल्ट, no power to set aside, not to be controlled by board direction, limitation period to be observed. अब मैं इसमें ये सारी तो आपको समझ आ रही होंगी, लेकिन not to be controlled by board direction, आप पूछोगे ये क्या है भाई not to be controlled by board direction? Commissioner appeal जो है income tax authority है, और income tax authorities are to be controlled by the CBDT, Central Board of Direct Taxes, ठीक है। सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है। अब सर्कुलर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, जुडिशियल भी होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्कुलर है ये कमिश्नर अपील के ऊपर भी बाइंडिंग है, असेसिंग ऑफिसर के ऊपर तो बाइंडिंग है, असेसिंग ऑफिसर क्यों नहीं कर सकता? अगर उसने असेसिंग ऑफिसर को ये सर्कुलर है देख के आपने डाल दिया, उसके लिए लॉ है। अगर वो सीबीडीटी का सर्कुलर फॉलो नहीं करता तो उसकी पेटी उतर सकती है, सीधी बात। लेकिन सीआईटी अपील का है क्या, सीआईटी अपील जुडिशियल? कोई कोई कुछ कह रहा था। अच्छा सर, जब जुडिशरी वाली पावर में होगा तो सर फाउंडेशन नहीं हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। सो ही इज नॉट बाउंड बाय द डायरेक्शंस ऑफ द सीबीडीटी, ठीक है। लेकिन अगर आपके फेवर में कोई पॉइंट है फिर तो आप सीबीडीटी का सर्कुलर चलेगा, अगेंस्ट है तो आर्ग्यू कर सकते हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट।
not to be controlled हो गया, limitation period to be observed, no power to discover new source of income. ये सारे ये एक एक लाइन के लग रहे हैं, लेकिन अगर भूपेंद्र जी आप मेरे को ये कहोगे कि अगली बार ये बताओ, ये जो लास्ट में पॉइंट लिखा है नो पावर टू डिस्कवर न्यू सोर्स ऑफ इनकम, इसके ऊपर तीन घंटे बोलो तो तीन घंटे बोल सकते. इतनी लॉ इतनी ज्यादा डेवलप कर चुकी है हर पॉइंट के ऊपर. नो पावर टू डिसमिस इन डिफॉल्ट, ये देखो पांचवा पॉइंट देखो, ये पावर है कि आप गए नहीं थीएटी पील के पास, हियरिंग आई आप नहीं गए, ठीक है. अब क्या सीआईटी पील ये ऑर्डर पास कर सकता है कि ये नहीं आया, इसलिए सारी एडिशनें कंफर्म कर देता हूं. यदि समझ आ गई मेरी बात, ठीक है, ये आया नहीं, जयदीप आया नहीं हियरिंग पे, मैं सारी के सारी जो एओ ने किया सब ऐड कर देता हूं. आंसर इज नो. कोर्ट ये कहते हैं कि आप अगर जो भी ऑर्डर पास करोगे एक्स पार्टी, आप हर ग्राउंड के ऊपर करोगे, हर ग्राउंड को डिस्कस करके करोगे. यू कैनॉट से जस्ट बिकॉज ही हैज नॉट कम आई विल डिसमिस इट, बिकॉज सीआईटी अपील का जो ऑर्डर है इज नॉट ए पनिशमेंट ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर विच हैज टू बी पास्ड ऑन द इश्यूज रेज्ड इन अपील. समझ आ गई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर एक सीआईटी अपील ने ऑर्डर यह पास कर दिया कि जयदीप नहीं आया, इसलिए मैं सारी एडिशन कंफर्म कर रहा हूं, वो इलीगल गलत ऑर्डर है, आईटीएटी एक मिनट में तोड़ देगा उसको. बिकॉज सीआईटी अपील हैज टू पास, इवन इफ यू डोंट गो, ही हैज टू पास एन ऑर्डर ऑन एवरी ग्राउंड ऑफ अपील रेज्ड बाय यू, इवन इफ इट्स एन एक्सपायरी ऑर्डर. ठीक है, चले आगे. सर एक बड़ी लंबी सी क्वेरी है सीए वेंकटा सुब्रमण्यम की, कोई बात नहीं करे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूं. सर करो ना, बिल्कुल वेंकटा सर आप अनम्यूट कर लीजिए. सर जी सर पूछिए. सर सर गुड इवनिंग. यार ये साउथ इंडियन बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनका नाम सुन मैं डर जाता हूँ, ये वैसे ही पैदा इंटेलिजेंट होते हैं. बताओ यार बोलो. Sir, in few of the cases during the assessment of demonetization cash deposit yeah. during demonetization period, few of the yeah. assessment officers, even though we should provide a sufficient source of income, they have added the entire cash deposits as unexplained income, and they have taxed at a very high rate of interest tax. Yes. And we have a preferred appeal, and we have applied for the stay of demand, but the assessing officer says you have to pay 20% of tax. And the CID, we have gone for CID, principal commissioner, they are also not agreeing to our demand. So if there is any way to, if there is any circular or something where they can collect a lesser percentage of tax, instead of 20%, maybe lesser percentage of tax levied till the appeal is disposed. Venkat, excellent question. Excellent question. So let me explain Venkat's question as I have understood. Venkat ये कह रहे हैं कि जो demonetization का time था, उस समय हमने cash जमा कराया. Venkat, is it okay if I speak in Hindi? Yeah, sir, sure, sir. You are able to understand. I'll also speak in English, but that will only waste time. So let me speak in Hindi. Hindi. Okay? Yeah, fine. So इन्होंने demonetization के time पे cash जमा कराया. अब जो कैश जमा कराया, इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है मैंने अपने कैश इन हैंड से कराया. उस समय दिवाली हटी थी 15-20 दिन पहले, और प्लस जिस दिन डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई 8 बजे, 8 से 12 के बीच में आई एम अ गोल्ड ज्वेलर, गोल्ड डीलर, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू मी एंड आई सोल्ड देम गोल्ड. देर इज नो रीजन, देर इज नो पनिशमेंट फॉर मी टू एक्सेप्ट up to 2 lakhs in cash for every sale. I accept it for 100 people or 150 people. आपको पता होगा भूपेंद्र कि जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई थी, लोग बैगों में कार पैसे भर के मारे मारे ढूंढ रहे थे कि कोई चीज मिल जाए. भाई लोगों ने सूट खरीद लिए, वो सूट पूरे ही नहीं आए उनको, लोगों को यहां एम्पोरियो में खड़े हो गए. उन्होंने कहा यार दे दो सूट, दो दो लाख, एक एक दो दो लाख के, उसके बाद नहीं पूरे आए, तो फिर भी एक था कि चलो यार पैसा की वैल्यू खत्म हो गई. सो नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम सेइंग दैट दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ माई सेल. सो आई एम गिविंग यू अ रीजन, आई एम गिविंग यू अ सोर्स. वेंकट्स पॉइंट इज कि मैं सोर्स भी दे रहा हूं, फिर भी कहते हैं नो नो इट इज अनएक्सप्लेन्ड इनकम.
एंड इफ इट इज अनएक्सप्लेन टू सेक्शन 115 BBE के अंदर 60% पे टैक्स कर रहे हैं, और 60% पे टैक्स करने के बाद कहते हैं 20% टैक्स दो, नहीं तो हम स्टे नहीं करेंगे। व्हाट इज द आंसर? अब इसके दो आंसर है, सो वेंकट देयर आर टू आंसर्स टू इट। वन, यू गो टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विच इज द असेसिंग ऑफिसर, यू गो टू हिज कमिश्नर, यू गो टू द प्रिंसिपल कमिश्नर, यू गो टू द चीफ कमिश्नर, यू टेल देम दैट लिसन सर, एन अनरीजनेबल डिमांड हैज बीन रेज्ड, I have given complete source of my income. I have made sales. Sales tax return has been filed. Sales tax has been paid. But the assessing officer is not willing to believe that the deposit is out of sales in spite of all this evidence. I have a stock register. In the stock register, I had purchases. I had the stock. Now, if I had the stock, I sold it. Here is the copy of the stock register. Here are the copies of the invoices. He still doesn't believe it. Just because he doesn't believe what I say, he has raised a demand. So kindly, I am not in a position to pay 20%. Kindly allow me to pay 1 lakh rupees a month, or 5% or 1% or 2% a month. There is a judgment of the Honorable Supreme Court where they say 20% is not mandatory. It can even be less. I will give you a copy of the judgment just now. Judgment of the Supreme Court where they say you can even pay less than 20%. Okay? Right. I'll give you a copy of the judgment just now. Where they say 20% कोई वो नहीं है कि एक खप्पा लग गया 20% पे स्टे होगी ना। अगर कोई आदमी 20% देता है तो स्टे जरूर होगी, लेकिन आप लेस पे भी कर सकते हो। So Venkat, you can do that there. Now, if he doesn't agree, you can go to the High Court, but you have another avenue open to you. You can go to the CIT appeal and ask for stay of demand. Now, normally, CIT appeals don't want to enter into this controversy because they say this is the role of the principal commissioner. Why should I get into the role of the principal commissioner? But when I go on to my presentation, you will find there are hundreds of judgments which say the commissioner appeal has the power. Has the power to give stay of demand. So you can tell the commissioner कि साहब ये मैं आपको एक judgment दिल्ली High Court की दूंगा जिसमें commissioner appeal ने he did not accede to the request of the assessee to give stay. SD Erickson. Assessing officer. SD Erickson का केस है, मैं आपको अभी इसमें बता दूंगा। तो उसमें उसने High Court ने कहा कि नहीं, commissioner appeal has the power to give a stay. And even for less than 20%, please exercise your power. Okay, Venkat? Okay, yeah, thank you. So I have to give you the Supreme Court judgment, which will come in 2 minutes, in 10 minutes. Sure. Thank you. Did you? Folder. Nee, wo judgment jis pe kaha less than 20%. Dono de denge isme. Acha, dono de denge. Chalo, theek. So you will get it. Okay, Venkat. Right. Now, ab aap ye dekhiye, item number 2 pe. नॉन स्पीकिंग ऑर्डर अगर कमिश्नर पास करता है, आप गए, आपने 50 पेज की लिख के दी उसको सबमिशन, उसने कहा एक मैं तो ना मानू, मुझे तो तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मैं 2 लाइन में खत्म कर दिया तेरा ऑर्डर, करते हैं ऐसा करते हैं, अब उसका क्या आंसर है? ITAT ने पेनल्टी लगाई है, पर्सनल पेनल्टी, पॉइंट नंबर 2 पे देखो, फॉर नॉट पासिंग अ स्पीकिंग ऑर्डर। ओके, देन असेसिंग CIT अपील कई बार क्या करते हैं, असेसिंग ऑफिसर का लिख दिया ऑर्डर, फिर रिप्रोड्यूस कर दिया, आपकी सबमिशन रिप्रोड्यूस कर दी और नीचे एक लाइन लिख दी, आई डिसएग्री विद द सबमिशंस ऑफ द असेसिंग एंड आई एग्री विद द असेसिंग ऑफिसर। ये तो स्पीकिंग ऑर्डर, ये कहां स्पीकिंग ऑर्डर है भाई? सो इट हैज टू शो इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑफ द CIT अपील। ये ऑर्डर है सारे केसेस, ठीक है। फिर एक लास्ट ये देखो, बट वन सेकेंड लास्ट में देखो, सेक्शन के अंदर लिखा है the CIT अपील शैल डिस्पोज ऑफ एन अपील विद इन 1 ईयर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील इज फाइल्ड। अब इस पे तुम कहोगे कि एक तो यार बड़ा सही बातचीत लिखी है, 1 साल के अंदर करनी चाहिए, ये तो लॉ कहता है कि 1 साल एंड ऑफ में करो, लेकिन भूपेंद्र एक देर इज
एक एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि समटाइम्स शैल को हैज टू बी इंटरप्रेटेड एज मे. तो अगर उसने शैल लिखा है लॉ में, इट शुड बी इंटरप्रेटेड एज मे. दैट मींस ये नहीं कि अगर एक साल में ऑर्डर पास नहीं करता तो इलीगल हो जाएगा. ना ही कैन, ही शुड ट्राई टू डू इट. ऑल्दो द वर्ड यूज्ड इज शैल, बट इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड. इनफैक्ट मे ही लिखा हुआ है उसमें, बट अदरवाइज समटाइम्स कई जगह पे शैल भी लिखा हुआ है. ठीक है, क्लियर हो गया? शुड आई मूव अहेड? ओके. अब ये एक और देखो, एक लास्ट में देखो, लास्ट में देखा ना. जयदीप झंकर तुम कहाँ देख रहे हो यार? तुम्हारे घर पे कोई आया हुआ है क्या? मतलब यार हद हो गई यार, उधर देख रहा है. क्वेश्चन सबसे पहले, ये जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था ना उसकी पनिशमेंट है ये. तू बेटा जाके देख कहीं, उधर देख, पीछे पीछे देख रहा. हाँ ठीक है, ये चाय ऑर्डर कर रहा था सर अपने लिए. नहीं तो जो भी करे, ये को मतलब थोड़ा है. नीचे लास्ट देखो, लास्ट में टू पास एपलेट ऑर्डर, टू पास, नहीं नहीं मजाक करो यार, टू पास एपलेट ऑर्डर विद इन 15 डेज. सीबीडीटी ने कहा है, ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, that CIT appeal will pass an order within 15 days of the hearing. Lekin 9 out of 10 cases mein nahi hota. Now this is gross violation of the directions of the CBDT. Agar aap isko, aap himmat hai, dam hai aap mein, to aap usko kaho ki sahab aapne ye kyon nahi pass kiya order 15 din ke andar. CBDT ye kehti hai, theek hai, you can say that, you can enforce it. Let's move on ahead. ये एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो ये कहती है कि अगर आप एक लीगल इशू, ज्यूरिसडिक्शनल इशू पे जाते हो तो पहले सीआईटी अपील को ज्यूरिसडिक्शनल इशू डिसाइड करना चाहिए. आई गिव एन एग्जाम्पल. सेक्शन 143 का जो ऑर्डर होता है, असेसमेंट ऑर्डर, वो तभी हो सकता है अगर नोटिस अंडर 143(2) इज सर्व्ड ऑन द एसएससी. ठीक है, सर्विस ऑफ नोटिस अंडर 143 इज मैंडेटरी. अब लेट अस से सर्विस नहीं हुई और आपने पॉइंट एओ के सामने भी लिया हुआ है. ठीक है, एओ कहता है भाई मैं तो नहीं मानता, तुम मेरिट्स पे बातें करो. तो मेरिट्स पे आपने बातें की, उसने 25 और एडिशनें कर दी. ठीक है, अब आप सीआईटी अपील के पास गए, आपने कहा साहब ज्यूरिसडिक्शनल इशू ये है दैट नोटिस वॉज नॉट सर्व्ड ऑन मी. तो पहले आप ये डिसाइड करो, अगर नोटिस इज नॉट सर्व्ड ऑन मी तो सारी एडिशनें जाती हैं. CIT appeal can't say कि इसको इग्नोर करता हूं मैं तो मल्टीपल उस पे जाऊंगा मेरिट्स पे. ही हैज टू फर्स्ट डिसाइड द ज्यूरिसडिक्शनल इशू एंड देन प्रोसीड ऑन मेरिट्स. क्लियर, हाई कोर्ट की जजमेंट. आगे चलूं जी. CIT appeal के पास पावर रिव्यू की नहीं है. आपको कह दिया कि अच्छा जी आपको, आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया, फिर कहता हूं नहीं नहीं गलती हो गई, ये तो आपके फेवर में होना चाहिए था. ही कांट रिव्यू, दैट इज कॉल्ड रिव्यू. बट ही कैन रेक्टिफाई अ मिस्टेक विच इज अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. Now, आप कहोगे कि भाई रिव्यू और रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है? रेक्टिफिकेशन अ मिस्टेक फ्रॉम अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इज, आपने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी. ठीक है, आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपने फाइल की, उसने ऑर्डर पास कर दिया, जजमेंट देखी नहीं. बाद में आपने कहा साहब आपके सामने फाइल की हुई है, हाउ कैन यू पास एन ऑर्डर विदाउट कंसिडरिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट्स द लॉ ऑफ द लैंड. उस पर वो रेक्टिफाई कर सकता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इट रिलेट्स, इट इज द लॉ, it has to be followed, it relates to the enactment when it came first. Got it? ठीक है साहब, चलो आगे. Faceless appeal. अब एक concept आ रहा है faceless appeal का. Appeal भी जो होगी साल डेढ़ साल के बाद आपके घर में बैठ के होगी, जैसे अभी बैठे हुए हैं आप. वो faceless assessment होती है, faceless appeal भी होगी. Tribunal के अंदर जयदीप आजकल faceless वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीलें डिसाइड हो रही हैं. उसमें क्या होता है, ट्रिब्यूनल में दोनों मेंबर्स बैठ जाएंगे सामने और हम अपने ऑफिस के अंदर विद आवर स्टाफ बैठ जाएंगे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर बुक्स हैं, हम उनको लीड करते जाएंगे. दे विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस इफ दे हैव टू एंड द हियरिंग गोज थ्रू इन हाफ एन आवर, 45 मिनट, 1 आवर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ अपील. ये कॉन्सेप्ट भी आ रहा है. ठीक है, ओके. इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको,
यू सी मोदी साहब की एक बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन ये रही है मिस्टर हाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कि उन्होंने ये रियलाइज किया दैट देयर इज वाइड स्प्रेड करप्शन इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड पीपल आर फोर्स टू पे. नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव रिड्यूस दैट वो ले आए फेसलेस असेसमेंट की स्कीम. अब फेसलेस असेसमेंट की स्कीम सक्सेसफुल होती है नहीं होती है बात की बात है, लेकिन हमारे लिए एक नया एवेन्यू खुल गया और नया चैलेंज आ गया. एवेन्यू ये खुला कि पहले आप जाते थे एक असेसमेंट है असेसिंग ऑफिसर के कमरे के बाहर बैठे हुए, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई टेलीफोन पे बातें कर रहा है, कोई मच्छर काट रहे हैं वो उससे तंग है कि डेंगू ना हो जाए, बैठे हो आप पीएम के साथ बैठे हो बाहर, वो खत्म हो गई बात. नाउ अब आपकी स्किल्स है, पहले तो आप जाते थे डिटेल लेके, ये वो कहता ना भाई ये फाइल ना करियो, देख ये करेगा तो मैं 10 और चीजें खोल दूंगा, ये डिसीजन मान ले, ठीक है धमकी थी. अब वो नहीं है, अब वो आपको रिप्लाई आपको ई प्रोसेस से लिखेगा, आप जवाब दोगे और आपका जवाब यस टू नाउ कंसिडर, ठीक है. सो अब यू हैव टू बी वेरी वेल इक्विप्ड, योर रिप्लाई शुड बी एग्जॉस्टिव, शुड कंसिडर द फैक्ट्स थरली, the law properly, reliance on the legal, the jurisprudence has to be very appropriate and correct, ठीक है, and facts have to be properly marshalled. अब नहीं चलेगा वो. अब आपके पास एक ऐसी golden opportunity आई है जिसमें जो chartered accountant थोड़ा अच्छा पढ़ेगा समझदार होगा he will score over the others. So ये अब आपके पास एक आएगी जिसमें additionें तगड़ी होगी, मतलब सॉलिड एडिशन होगी जो टूटनी मुश्किल है, और अपील के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो भी फेसलेस होगी, एंड आई थिंक इट विल ओपन अप लॉट ऑफ एवेन्यूज. ओके नाउ अब आपने अपील फाइल कर दी, ठीक है जयदीप जी, अब आप कहते हो यार वो गलती होगी, कहे तो कमिश्नर बड़ा टेढ़ा है, पता चला आपको कमिश्नर भी तो बहुत टेढ़ा है भाई, वो तो बहुत स्मार्ट है, वो तो अनाउंसमेंट भी कर देगा. तो आप कहते हो साहब मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूं, कहना वंस एन अपील हैज बीन फाइल्ड इट कांट बी विड्रॉन, इट विल बी डिसमिस्ड बाय हिम इफ यू डोंट प्रोसिक्यूट द अपील, परस्यू द अपील, एंड ही कैन इवन एनहांस इट इफ ही वॉन्ट्स. तो सोच के अपील फाइल करो, बिकॉज वंस एन अपील इज फाइल्ड यू विल नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉ इट, सुप्रीम कोर्ट की जज, ठीक है आगे चलू. ओके अब आ जाओ, एक बड़ी टेक्निकल चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पावर क्या है कमिश्नर अपील की, इनहांसमेंट की. आप तो गए असेसिंग, अब मैं एग्जांपल देता हूं, असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन की, उसने क्या किया कि आपका कहा कि आपकी मैं बुक्स रिजेक्ट करता हूं और जीपी रेट लगा देता हूं, ठीक है, उसे आपकी मैं 10% की आपकी इनकम लगा के सेल के ऊपर असेस करता हूं. नाउ यू गो टू द सीआईटी अपील, यू से द असेसिंग ऑफिसर अर्ड इन अप्लाइंग द जीपी रेट एंड मेकिंग इट कॉन्सिक्वेंटली एन एडिशन ऑफ सच एंड सच अमाउंट. सीआईटी अपील कहता है भाई ये तो छोड़ तू, तेरी सेल नंबर एक नंबर दो की भी है, अब मैं उसमें जो नंबर दो की तेरी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है जो नंबर दो की सेल के लिए घुमा रहा है तू, उसको क्यों ना ऐड करूं सेक्शन 69 में. समझ आ गई मेरी बात भाई, नंबर दो की सेल करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए ना, उसको क्यों ना ऐड करूं. नाउ डज ही हैव दैट पावर ऑफ एनहांसमेंट, द आंसर इज नो. दिस इज बिकॉज सीआईटी अपील कैन एनहांस only in respect of that issue which has been considered by the assessing officer during the course of assessment and forms a part of the assessment order. Samajh aayi? Agar assessing officer ne wo point ko consider hi nahi kiya, wo issue hai hi nahi aur uske paas koi material nahi us issue ke upar, to naya issue pe nayi source ko discover nahi kar sakta.
Now this is a new source of income. This issue was never before him. लेकिन हाँ, सीएटी के लिए कह सकता है कि तुम्हारा जो जीपी रेट 10% लगाया या 15% होना चाहिए, फॉर सच तस्वीर, बिकॉज दैट इज नॉट ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम. हैव यू अंडरस्टूड? जयदीप, अंडरस्टूड और नो? यस सर. ओके, सो आई विल स्किप दिस. दिस ये सारी मैंने बताया एनहांसमेंट का क्या क्या पावर है. हाउ मच टाइम डू वी हैव? 45 minutes. ये पावर ऑफ एनहांसमेंट सारी है, ठीक है? ये जजमेंट से साहब, ये आपने पढ़नी है. स्टे, आपका क्वेश्चन आया था वेंकट का कि कैन स्टे के लिए मैं क्या करूं. ये है सीएटी अपील के पास भी आप स्टे मांग सकते हो, ठीक है? सो वेंकट कैन बी एक्यूज ऑफ दिस. अच्छा, अब ये देखो, वेंकट ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि 20% से कम का टैक्स पे भी पे कर सकता हूं मैं, स्टे ले सकता हूं. आंसर इज यस. ये जजमेंट देख लो लास्ट में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये ठीक है? वेंकट को एक बार खोल दो. हेलो, हाँ तो बोल दे. वेंकट जी, अनम्यूट कर दिया वेंकट. वेंकट, हैव यू गॉट योर आंसर्स? हैव यू गॉट योर आंसर्स? यस सर, यस सर, थैंक यू. ओके, आई टू सी नाउ. अब कई बार देखा है भूपेंद्र जी, अब ट्राइब्यूनल क्या है? हायरार्की है कोर्ट्स की, असेसिंग ऑफिसर, उसके ऊपर सीआईटी अपील, फिर ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. अब ट्राइब्यूनल कुछ कहता है, कोई डिसीजन देता है लीगल, क्या वो डिसीजन बाध्य है सीआईटी अपील के ऊपर? आंसर इज यस. लेकिन लॉट ऑफ टाइम सीआईटी अपील कहता है मैं ना मानू. क्यों भाई, हाउ कैन यू डिसएग्री? उसको बांधने के लिए आपको यह जजमेंट कमलाक्षी फाइनेंस आइटम 2, 3, 4 के ऊपर, ही कैनॉट रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर अथॉरिटी विच इज इन योर फेवर, ठीक है? ये कमलाक्षी फाइनेंस ने ये सब कहा है. इस कमलाक्षी फाइनेंस को आपको पढ़ना है. आगे चलूं? जी सर. ओके अजय सर, क्वेरी है बीच में दो चार, तो वो हम लास्ट में ले लेंगे सर. नहीं नहीं, क्यों, नहीं नहीं, चलने दो, अभी ले दें. ले लो ना यार, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे देना सर, हमें आपसे सुनना भी है सर काफी. यार क्या फर्क पड़ेगा, रिच ब्रांच हो, 1,00,000 रुपए का बिल ही तो लूंगा मैं तुम्हें, क्या है, फर्क क्या पड़ता है? यहाँ खाली बैठे हैं, आ जाएगा. नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं. डेल के नाम से लॉग इन है सर, मैंने अनम्यूट कर दी थी, आप अनम्यूट कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डेल जी सर, जी क्वेश्चन पूछिए सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द बात दैट पास्ड. यू एन ऑर्डर इज बीइंग पास्ड अंडर सेक्शन 279(2) एंड अ प्रोसिक्यूशन हैज नॉट बीन लॉन्च्ड एंड द ऑर्डर इज बीइंग चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट, दैट इज पेंडिंग. Whether that will be eligible for the Vivad Se Vishwas scheme? Now 279(2) is an order. See, the word used is the prosecution has been instituted. Now is a prosecution filed in the court? 279(2), no, I think. It has not been filed. One second. Us pe circular hai. Let me see 279(2). So-called body is an issue and a 279(2) order is passed. But, no, 279(2), Pawan, is an order of compounding. Yes. An office under this chapter may either before the or after the issue may be compounding by the compounding ka order. Hai. Yes. So, your application for compounding is pending. Our compounding application is being, so passed. I think, but it's a good question. Yeah, I understand. So there can be two situations. One situation is that in a TDS default, let us say, or you when the show cause notice is issued, you go to the commissioner and say I want to compound. Okay. Now he passes a compounding order. Right. And you go and appeal against that.
there were some issues in that. Exactly, there are some issues on that. Now here the question is whether where a compounding order has already been passed in respect of a particular assessment year, can you go in for the Vivad Se Vishwas scheme or not? That's the question. That's the question. You will have to give me 5 minutes because the I should give you a specific reply on that. Okay, I have the answer, but I will just get back to you in 2 minutes on this. One more question I have. Look at the circular. Yes. One more question I have. You know, like you were talking about the powers of CIT appeals. Yes. In section like 263 of Income Tax Act, where the assessing officer has passed an order with the supervision of, let's say, JCIT or CIT or ACIT or JCIT, in that case, all the commissioner appeal can actually, you know, make decisions. And if the assessing officer's order is a non-speaking order, means he doesn't mention anything, you know, and it's late, let's say there is no nil addition in that. And say the is just one line order or two lines order, the income assessed is, you know, as per the return, income return. In that case, also section 263 can, you can, you know, make additions. And if it is being supervised by the, you know, CIT, in that case also you can make additions. Okay. So can I respond to you in Hindi? Yeah, please, sir. Okay. So, इनका question ये है, जो clarity आ जाएगी question की and you just keep prompting me whether I have understood it carefully or properly or not. You see, क्या होता है कि अगर आपने एक assessment order आपका pass हो गया, 3-3 का assessment order है, ठीक है? आपने उसमें मान लो दो additions हुई हैं और आपने appeal file कर दी. Now जो CIT जो अब एक पावर और होती है उसको कहते हैं पावर ऑफ रिवीजन. वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर जो होता है प्रिंसिपल कमिश्नर वो अंडर सेक्शन 263 पास कर सकता है. वो 263 में अगर उसको ये लगता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है असेसिंग ऑफिसर का दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इज इरोनियस एरर है उसके अंदर और प्रेजुडिशियल है तो 263 का ऑर्डर पास करके उसको क्वेश्चन कर सकता है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है स्कोप बताता हूं. स्कोप में ये है कि जब तक सीआईटी अपील डिसाइड नहीं करता, यू सी सीआईटी अपील एंड प्रिंसिपल सीआईटी आर टू सेम सिमिलर अथॉरिटीज. ठीक है. ही कैन नॉट पास एन ऑर्डर वेयर द कमिश्नर अपील हैज ऑलरेडी अप्लाइड हिज माइंड. 263 का ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड वेयर द कमिश्नर अपील हैज ऑलरेडी पास्ड माइंड ऑन अ पर्टिकुलर इशू. बट अ 263 ऑर्डर कैन बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इशूज वेयर द कमिश्नर अपील हैज नॉट पास्ड एन ऑर्डर. दैट्स द वे इट इज. ठीक है. नाउ एक सेकंड, तुम्हारा क्वेश्चन. हाँ, ओके. सो आई थिंक ब्रदर इट अपियर्स दैट वी मे नॉट हैव अ गुड केस फॉर विवाद से विश्वास बिकॉज द क्वेश्चन 22 जो रिप्लाई किया है सीबीडीटी ने वो कहा है इन द केस ऑफ एन एसएससी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड एंड इज पेंडिंग इन कोर्ट इज एसएससी एलिजिबल फॉर विश्वास से विवाद. बट नो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. It's not a case of prosecution has not been instituted. It is before the prosecution is instituted, compounding vessel. Prosecution has not been instituted. Compounding vessel. So which means you can. Okay. So which means the word uses only instituted. So if prosecution has not been instituted, the Vishwas Se Vivad scheme applies. That it is not showing when you are online applying for it, it is not showing that section. Yeah? Not showing that section. You go ahead, if they don't agree, if you have the court. Kai combinations aayenge, kai issues aayenge aise.
because they continue, they say instituted. What does institution mean? Institution means filed, physically filed in the court. If it's not physically filed in the court, then obviously you can go. Okay. Right. Right. Haan ji, Bhupinder ji. Sir, next question Parveen Goyal ji, Parveen Madan ji ka hai. Parveen sir, aap unmute hai sir. Past chairman of Sonipat branch, Parveen ji. Haan ji. Namaskar. Haan ji, namaskar Parveen ji. सर मेरा क्वेश्चन विवाद से विश्वास का है. मैंने जून के अंदर दो वीएसवी के अंदर फॉर्म फाइल कर रखे हैं अलग अलग एसएससी के. एक सेकंड प्रवीण जी, भूपिंदर जी सर, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है कि भाई साहब आपको विवाद से विश्वास स्कीम के ऊपर करना पड़ेगा बड़ा सा प्रोग्राम. बिल्कुल सर, करना पड़ेगा. अच्छा, मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ. एक ना हमको चीफ कमिश्नर है दिल्ली के, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई 14 तारीख को विवाद से विश्वास के ऊपर हम कई चीज़ें करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक आईटीटी बार एसोसिएशन एक प्रोग्राम करे. ओके. तो चीफ कमिश्नर होंगे और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी होंगे, सब लोग होंगे. तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप अपने वहां भी डाल दीजिएगा. उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो भी भेज दूंगा, तो आप वो जो उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन होंगे आप सब जगह सर्कुलेट करके भेज देना, ताकि उनको पहले दे दें. क्योंकि इस तरीके से मेरे ख्याल से हम लोग वहां पर नहीं कर पाएंगे. जी जी, वहां पहले क्वेश्चंस आए होंगे तो उनके जवाब को सारे दे देंगे. तो बड़े इंटेलिजेंट ब्रिलियंट चीफ कमिश्नर है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवीण का मैं क्वेश्चन ही आंसर करूंगा. प्रवीण बोलो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. माय क्वेश्चन इज कि जून के अंदर वो जो फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो इसमें कोई टाइम लिमिट भी है कि जो सीआईटी से जो फॉर्म 3 की अप्रूवल आनी है वो कब तक आएगी? आपने भेज दिए? सर मैंने जून में फाइल कर दी, फर्स्ट जून ऑफ द फर्स्ट वीक. सुनो, एक सेकंड, जो फॉर्म ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर, टाइम लिमिट नहीं है. सीआईटी हैज़ टू रिस्पॉन्ड ना. उनका सीआईटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसके बाद. लेकिन फिर वो डेट एक्सटेंड भी कर दी ना 31st तक. एक्चुअली पता क्या है जी सर, हाँ, यू सी, ये देयर इज अ टाइम लिमिट फिक्स की थी, बट नथिंग गोज अगेंस्ट यू इन दिस, बिकॉज डेट एक्सटेंड होगी ना सारी, उस चक्कर में सारी की सारी चीजें, बट नथिंग टू वरी. बट आई थिंक यू कैन सेंड अ रिमाइंडर. Okay. हुआ क्या कि उसके बाद सब कुछ डीप फ्रीज में चला गया. अब मैं एक चीज बताता हूँ प्रवीण, अभी क्या है, ये जब से ये लॉकआउट चालू हुआ है ना, जितने खून किए तुम्हारे सब माफ. डिले का कोई भी चक्कर है, लिमिटेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. ओके. हाँ, कोर्ट से सब कुछ कहा है कि एवरीथिंग इज फ्रोजन, यू आर सिटिंग एट योर हाउस ट्राइंग टू सेव योरसेल्फ. आपकी अपनी पर्सनल लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स. तो कहीं डिले हो गया, अपील नहीं फाइल हुई, इसमें डिले हो गया, तुम्हारे लिए भी माफ, उनके लिए भी माफ. ठीक है सर. थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय सर, प्रवीण गोयल जी से. लेट डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर ईएसआई एंड पीएफ व्हिच वाज डिसअलाउड इन 43B एंड ऐड बैक इन 143(1) बाय डिपार्टमेंट, कैन बी फाइल अपील फॉर एनी रिलैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉयज इफ एनी केस लॉ प्लीज हाईलाइट. वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का केस लॉ ऑन पीएफ, वो तो अगेंस्ट नहीं आया. वो सब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो है, जो डिले इन मेकिंग द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, उसका केस लॉ दे दो. चक्कर पता क्या है, अगर ये तुम कपिल गोयल से पूछते ना तो 6 दे देता. उसका सारा मेमोरी ऐसी है उसकी, मेरे को है पता है सारे केस लॉ. अपने अपनी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं उसने क्या खाता है. लेकिन मैं अभी दे दूंगा आपको, पढ़े सारे हैं. ठीक है, हाँ अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट. बस सर कंटिन्यू करें सर. ओके, अब हम नेक्स्ट पे आए. अब एक चीज बड़ी ध्यान से अपील में जो देखने वाली, कि असेसिंग के असेसमेंट के टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि जितनी एविडेंस है फाइल करो, क्योंकि जहां जहां ऊपर जाते जाओगे एविडेंस फाइल करना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा. सो मान लो कमीशन आपने पे की है, उसका कंफर्मेशन, उसका पैन, उसकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आप फाइल करो उसी समय. क्योंकि कमिश्नर अपील के पास जाके आप कहो कि जी मेरे को तो ये एविडेंस और मिल गई, बड़ी डिफिकल्ट है. लेकिन कमिश्नर अपील के पास पावर है टू टेक एडिशनल एविडेंस. अब वो कैसे एक्सरसाइज करेगी? रूल 46A में कहता है कि अब आप कमिश्नर अपील के पास जाओगे, साहब ऐसा है उस समय मेरे पास जो जिसको कमीशन पे किया उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, वो आ गई, तो
आप प्लीज़ इसको एडमिट कर लीजिए और इसके बेसिस पे डिसीजन दे दीजिए। तो सी आई टी पील कहेगा ऐसे नहीं, कम अंडर रूल 46A। याद रखना है आप ऐसे एविडेंस फाइल नहीं कर सकते, फ्रेश एविडेंस जो एओ के पास आपने फाइल नहीं की थी। यू हैव टू फाइल इट अंडर रूल 46A ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, मीनिंग देयर बाय दैट यू हैव टू राइट अ लेटर सेइंग एडिशनल एविडेंस फाइल्ड अंडर रूल 46A। और उसमें क्या एविडेंस फाइल कर रहे हो, क्यों फाइल कर रहे हो और क्यों आपने असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं फाइल की, ये आपको देना है। चार रीजन दिए हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर स्टेटिंग व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइल द एडिशनल एविडेंस बिफोर दिस एविडेंस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। एक, कई बार क्या होता है आप गए एओ कहता है मैं नहीं लेता एविडेंस, बहुत लेट आए हो तुम, दैट कैन बी रीजन। सो यू कैन गो टू द सीएटीपीएल से साहब मैं गया था ये एविडेंस लेके, ही हैज नॉट फाइल्ड, आई फाइल एन एफिडेविट, ही हैज नॉट, ही हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, देन यू कैन फाइल एडिशनल एविडेंस। पॉइंट ठीक आ गया। देन आई वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशियंट कॉज, मेरे को ये एविडेंस चाहिए थी, मैंने थर्ड पार्टी से कहा कि भाई मुझे बैंक स्टेटमेंट दे दे कमीशन की, थर्ड पार्टी बोली भाई मैं अभी अब्रॉड में हूं आके दूंगी, तो यू आर प्रिवेंटेड, यू कुड नॉट। सो व्हेन ही केम बैक फ्रॉम अब्रॉड तब तक असेसमेंट हो चुकी थी, रीजन है ठीक है। फिर कोई भी रीजन कि सफिशियंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई मुझे, असेसमेंट को फटाफट किया गया, 10 दिन के अंदर असेसमेंट हो गई, मैं इतनी सारी एविडेंस देना चाहता था नहीं मांगी इन्होंने, नहीं मानी, दैट इज ऑल्सो रीजन। ओके, सो एडिशनल एविडेंस कैन बी फाइल्ड विद रीजंस। ये गुजरात हाईकोर्ट सबने कहा कि एडिशनल एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड, ज्यादा आपको रिजिड नहीं होना चाहिए, बट इट शुड बी फाइल्ड इन अंडर रूल 46A। आई एम अगेन रिपीटिंग, यू मस्ट इनवोक रूल 46A इफ यू हैव टू फाइल एडिशनल एविडेंस। ये सारे केसेस हैं जिसमें ये कहा है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एडिशनल एविडेंस जो आप फाइल करें अगर आपको जस्टिस मिलता है उससे, तो कमिश्नर अपील को ये एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको देनी चाहिए। ठीक है साहब, ओके। देन आई गो ऑन टू, एक मैंने एप्लीकेशन बनाई है ये आपके पास रहेगी, एडिशनल एविडेंस कैसे फाइल करनी है। ठीक है भूपेंद्र जी, ये कॉपी आपको दे रहा हूं मैं बिना नाम के, लेकिन इसमें किस तरीके से हम लोग फाइल करते हैं आपको देने के लिए क्या लिखा। अब मैं क्या करता हूं, हमने सब्जेक्ट में लिख दिया एबीसी लिमिटेड असेसमेंट ईयर एडिशनल एविडेंस अंडर रूल सच एंड सच। हम ना कमिश्नर को भगवान मान के लिखते हैं, मे इट प्लीज योर ऑनर, आपकी श्रद्धा है, आप योर ऑनर भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो, डियर सर भी लिख सकते हो, ठीक है, मिस्टर सच एंड सच भी लिख सकते हो, लेकिन मिस्टर अमेरिका में बेटर रहता है, यहां इन सबको आदत है कि हमको बड़ा चला के लिखा जाए हमारे बारे में, तो हम लिखते हैं मे इट प्लीज योर ऑनर, हे भगवान आपको, आपको ये जो लिख रहा हूं आपको खुश रखे, ठीक है। फिर लिखते हैं द हम्बली अपलेंट प्रेज फॉर एडमिशन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड नंबर 4, कि ग्राउंड नंबर 4 के ऊपर मैं ये एडिशनल एविडेंस और डालना चाहता हूं, ये डाल दिया, ठीक है आगे चले। फिर हम ये लिखते हैं कि हम क्यों ये एडिशनल एविडेंस आपके सामने ले रहे हैं, उसमें पूरी मैंने राम कहानी लिख दी कि ये हुआ था, इसकी वजह से हम एओ के सामने फाइल नहीं कर पाए थे, ये रीजन, ठीक है। फिर हमने लिख दिया कि ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, ये कई कोर्ट्स ने डिसाइड किया कि अगर ये रीजंस हैं तो एडिशनल एविडेंस को फाइल हो जाना चाहिए, सारे जजमेंट्स मैंने दे दी, ठीक है साहब, ये होगी खत्म। अब एडिशनल ग्राउंड है, आपने ग्राउंड्स तो डाल दिए सारे जो हमने डिस्कस किए थे, कुछ ग्राउंड मिस हो गए। नाउ एट द टाइम ऑफ हियरिंग इफ यू हैव ओमिटेड एन एडिशनल ग्राउंड फ्रॉम बीइंग टेकन, आप डाल सकते हो, लेकिन उसका रीजन देना है। रीजन ये हो सकता है कि भाई अजय वाधवा से हम सेटिस्फाइड नहीं थे, भूपिंदर के पास भी उसने कहा यार क्या है वो दो एडिशनल ग्राउंड लेने चाहिए थे क्यों नहीं लिए, आई एम डूइंग दैट, ठीक है लेट्स गो। अब मैंने ये सब लिखा है जो ड्रेस कोड वगैरह जो है ना, कि लॉयर को जो आपको सब लिख के दिया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जानी चाहिए, वकालतनामा लेके जाना चाहिए, एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, एक गुड स्टेशनरी होनी चाहिए, आप सीएटीपी को सर या योर ऑनर करके कहो, पेपर बुक कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें एक जनरल लिखा है, दिस इज, ये मेरे को शुरू में डालना चाहिए था लेकिन ठीक है
टाल दिया लड़कियों ने, आ तो गया, चलो प्रेजेंटेशन बिफोर द सीएटी अपील। अब सीएटी अपील के पास आप गए, ये दिस इज द वे यू विल प्रेजेंट योर केस। अब मैं आपको एक दो टिप्स दे देता हूं। टिप्स ये हैं कि आपने फैक्ट्स आपको रटे होने चाहिए, मतलब ये है आपके पास पेपर बुक है, पेपर बुक में क्या है, जैसे भूपेंद्र जी अब एडिशन दोबारा वही ले लेते हैं कमीशन की, आपने एक कमीशन पे किया अजय वधवा को 50 लाख रुपए की टर्नओवर आपकी लाने के लिए, सेल आपकी करवाई है, मैंने इंट्रोड्यूस किया पार्टियों को। अब आपने एओ के सामने क्या फाइल किया, कंफर्मेशन विद पैन, अपनी बैंक स्टेटमेंट शोइंग दैट पेमेंट हैज गॉन बाय चेक, उसकी रिटर्न ऑफ इनकम असेसी की, जिसको जिसको जो रेसिपिएंट है उसकी, उसके पास गई है, उसकी बैलेंस शीट भी अगर है तो, और ये चार चीजें आपने फाइल की हुई है। नाउ यू गो टू द कमिश्नर अपील एंड यू विल से सर इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन आई रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट दिस इज अ बोनाफाइड ट्रांजेक्शन, द कमीशन वॉज पेड फॉर such and such services rendered by Ajay Wadhwa. Now these services are detailed at page number such and such of the paper book. अब पेपर बुक में ले जाओ उसको, कोई साहब आप पेपर बुक देखिए उसके बाद भी है, काइंडली रेफर टू पेज 33 ऑफ द पेपर बुक। 33 पेज के ऊपर लिखा है कि अजय वाधवा विल डू दिस 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 दिस। कहेंगे साहब दिस इज नॉट ओनली द एग्रीमेंट, नाउ रेफर पेज 55। Look at this correspondence between me and Ajay Wadhwa. Ajay Wadhwa is asking, go and meet such and such person for sale. This shows ki genuine. Kindly refer to page 58 of the paper book. Kindly refer to page such and such of the paper book. To aapke paas notes likhe hone chahiye, commission ko justify karne ke liye, saare kaagaz usko leke do. Ye refer karo, ye refer karo, ye refer karo, ye refer karo. Facts pure ho gaye. Taki commission bogus nahi hai. That is the way you have to go about it. Okay? Then he will ask questions. Sometimes क्या होता है कि आप readily जवाब नहीं दे सकते question, आप कहते हैं साहब आपका बड़ा अच्छा question है। एक हमेशा ये याद रखो कि अगर किसी को आपने गलती से भी हिंदी या इंग्लिश में कह दिया कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो तो आप गए, फिर तो कमिश्नर जो है कमिश्नर ऐसी तैसी 25 साल की नौकरी मुझे गलत कह रहा है लड़का, नहीं आप कहें सर यू आर एब्सोल्यूटली राइट सर, योर पॉइंट इज वेल टेकन, बट सर आई हैव अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, I feel, sir, kindly look at this aspect also. Just give me 5 more minutes. Yes. देखो आप उसे कुछ मांग रहे हो ना अपने क्लाइंट के लिए, कुछ दे रहे हैं ना आपको, तो why can't you be humble and nice and sweet and kind? Why be aggressive? ठीक है, so ask with respect. और उसको गलत है भी अंदर से सोचो ये गधा साला इसको समझ है नहीं, कोई बात नहीं लेकिन पी जाओ, ठीक है, हमारा काम ही यही है। मैं वो 36 5 वाली बात दे दूंगी इनको, मिल गई हाँ मेरे पास। अच्छा ये सारे मैंने स्टेप्स लिखे हैं 23 तक कि आप ये सारे पढ़ो, कैसे अपीयर करना है, कैसे आपने सीआईटी अपील के सामने अपनी सबमिशंस रखनी है, एडिशनल एविडेंस रखना है, रिलायंस कैसे होना है जजेस केसेस के ऊपर, दिस यू विल कीप। पेपर बुक, अब पेपर बुक कैसे होनी चाहिए, भूपेंद्र जी आपने शुरू में ही कहा था ये बड़ी अच्छी डिटेल्ड खूबसूरत चीज होती है, इसके अंदर आपके हर ग्राउंड के ऊपर क्या उसने पूछा क्वेश्चन है, फिर आपका क्या जवाब गया, फिर उसका क्या क्वेश्चन है, फिर आपका क्या जवाब गया, फिर आपका क्या क्वेश्चन, जो कुछ आपने उस एडिशन के ऊपर एओ के सामने लिखा है डाला है वो सब होना चाहिए पेपर बुक के अंदर, और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम जरूर होनी चाहिए हर केस में। ओके, नाउ लेट अस सी, ये देखिए पेपर बुक का एक सैंपल दिया मैंने, क्या हुआ भाई कुछ नहीं। ओके, तो ये देखिए केस का नाम लिख दिया, और हम क्या करते हैं कि जो इन्होंने क्या किया केस में बंदे का नाम भी लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं तुम हर्षा खन्ना के पास जाओगे वो आएगा नहीं मर चुका है, तो नाउ इसमें क्या है, इसमें ये लिखा है एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ अनअकाउंटेड पर्सनल एक्सपेंसेस, फिर नीचे लिख रहा है रिटर्न ऑफ इनकम, तो पूरा जो जो क्वेश्चन जो आप पेपर लगा रहे हो
उसको भी आप डिस्क्राइब करो इन द इंडेक्स। समझ आ गई मेरी बात? हल्की सी डिस्क्रिप्शन दो। सीआईटीपील इज वेरी हैप्पी। देखो आप एक सोचो, खुद सोचो कि आप सीआईटीपील हो, आपके पास 50 लोग आते हैं, वा 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 करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी आता है वो कहता है साहब ये देखिए ये मेरी पेपर को क्या, ये कागज मैंने रिलाई किया, ये कागज रिलाई किया, ये तो वो नोट बनाता जाता है, पेज 45 देखना है, पेज 43 देखना है। जब वो ऑर्डर बैठता है कहता है चेक 43 देखो, हाँ से ये कहा 45 देखो ये कहा। समझ आई मेरी बात? केस लॉ कही ये बात कही, एंड ही इज एबल टू क्विकली मेक एन ऑर्डर। सो थिंक जितना उसको कंफर्टेबल कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ हिज राइटिंग एबल टू राइट एन ऑर्डर, डू दैट। ओके, ये सारे मेरे हो गए। अब रिटर्न सबमिशंस कैसे बननी है? अगेन हम लोग ग्राउंड वाइज जाते हैं, तो पहले ग्राउंड लिखते हैं, उस ग्राउंड के फैक्ट्स लिखते हैं, एओ ने कहा क्या कहा, हम क्या कहना चाहते हैं, फिर केस लॉ लिखते हैं उसके नीचे। ठीक है, ये सारा मैंने इस तरीके से इसको डाला है। अब मैंने एक आपको सैंपल भी दे दिया है सबमिशंस का। ठीक है सर? ठीक है सर। क्योंकि अपने पास समय कम है तो आई कांट गो थ्रू द होल दिस थिंग, लेकिन ये पूरा के पूरा यू कैन ऑलवेज रीड इट। ठीक है, इसके अंदर ब्रीफ फैक्ट्स दे दिए, देखिए सबमिशंस दे दी, जो जो कागज मैं रेफर कर रहा हूं पेपर बुक में वो सारा लिख दिया इसी में, कि डिटेल ऑफ शेयर होल्डर काइंडली लुक एट दिस, डिटेल ऑफ लेजर अकाउंट काइंडली लुक एट दिस, इस तरीके से ये सारे देखिए, एफआईपीबी अप्रूवल, हर एक की पेपर बुक का इंडेक्स साथ साथ दे दिया, ताकि वो सबमिशन देखता जाए वहां देखता जाए। फिर किस सर्कुलर के ऊपर रिलाई किया वो दे दिया, सर्कुलर नंबर दे दिया। फिर ट्रिब्यूनल के जो जजमेंट्स हैं उधारी दे दी, कैसे अप्लाई करते हैं हमको वो लिख दिया। फिर केसेस जो जिससे रिलाई कर रहे हैं ये डाल दिया। ठीक है, ये इस तरीके से। एनीवे ये अब है कि डीआरपी भी आ गया है, ये दिस इज ये एक फालतू की इसमें है, दिस इज नॉट फॉर द सीआईटीपील मैकेनिज्म, आई थिंक वी कैन स्किप इट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, अब ये है कि अपन आराम से टाइम दे सकते हैं फॉर व्हाट एवर क्वेश्चन ऑन एनी इशू दैट यू हैव। जी मैं सर अनम्यूट कर रहा हूँ सीए मुकेश और सिजा जी को, उनका क्वेश्चन है। मुकेश जी। या सर, नमस्कार सर। सर आपको नमस्कार कर रहे हैं सर। नमस्कार नमस्कार ब्रदर, नमस्कार नमस्कार सर। मेरी एक अपील पेंडिंग है सीआईटी अपील में। जी बेसिकली इसमें इशू क्या था, एसएससी को 148 इशू हुआ, उस 148 के रिस्पॉन्स में हमने रिस्पॉन्स जो दिया ये दिया कि हाँ एसएससी ने ऑलरेडी 13991 मेरी आईटीआर फाइल कर रखी है, एंड वी आर सबमिटिंग आईटीआर कंप्यूटेशन बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट। यस। आफ्टर देन एओ इशूड 142-1, उस 142-1 में हम सारे रिप्लाईज करते गए, एट द एंड एओ ने ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 147 रीड विद सेक्शन 143-3। यस। मैं उसमें उसके अगेंस्ट हम अपील में चले गए, जब मैं फाइल इंस्पेक्ट करने गया फाइल के अंदर एओ ने 143-2 का नोटिस इशू नहीं किया था। अब मेरी इसमें दो क्वेरीज है, दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये, जब मैंने 148 का रिप्लाई किया था फर्स्ट डेट पे ही, उसमें मैंने ये नहीं लिखा था कि मेरी रिटर्न को इन रिस्पॉन्स टू 148 मान दिया जाए। मैंने सिंपली ये कह दिया कि मैंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है और मैं सबमिट कर रहा हूँ। मैं करा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट गिविंग यू द आईटीआर एक्नॉलेजमेंट कंप्यूटेशन ऑडिट रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट। मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी कि इसको डीम कर दिया जाए इन रिस्पॉन्स टू 148। ओके। और दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सीआईटी लेवल पे ही हो जाएगा या आगे जाना पड़ेगा? देखो 143-2 का नोटिस कब इशू होता है? वो तब इशू हो सकता है व्हेन यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, वो अनम्यूटेड है, उनको उनको अनम्यूट रखो ना भाई, वो हाँ हाँ तो बोले। अनम्यूटेड है सर। या, या, सर। हाँ ओके। तो आप ने नॉर्मली व्हेन अ 148 नोटिस इज इशूड, व्हाट यू डू इज यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम एंड और यू से दैट आई हैव ऑलरेडी फाइल, आई हैव फाइल माय रिटर्न ऑफ इनकम एंड द सेम मे बी ट्रीटेड टू बी द रिटर्न ऑफ इनकम filed under section, filed in response to your notice under section 148 of the act, right? अब ये line नहीं लिखी गई, लेकिन आपने ये लिख दिया कि मैंने already अपनी return ये file की हुई है, that is all,
Now, actually, if you see, you have a problem. And it's a big problem because you have not, technically, you have not filed a return of income. Return to your original file ki hui hai. You have only brought to his notice the old return of income that you have filed. Exactly. Hai na? So I think you agar if the assessing officer latches on to this, then there's a problem. Lekin uska ek kaam karo. Uske jo aage ke notices hai, unko padho. Agar kahin se ye indication aata hai that he is referring to the return of income filed by you under section 148, phir baat theek hai. दूसरी चीज एक और है दैट अगर वो आपने ये रिटर्न नहीं फाइल हुई हाँ एंड ही पासेस एन ऑर्डर ही कैन नॉट पास एन ऑर्डर अंडर 143 रेडमिट 148 ही हैज टू पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर अंडर 144 टेक दैट अप तो इसका मतलब आप ये कहो कि साहब उसने 143 की जो रिटर्न की क्या जो ऑर्डर पास किया है is in response to my letter stating that this is the return filed. And therefore he acknowledges the fact that my return of income has been filed in response to 148. And that's the reason why it is passed under order under 143. Theek hai na? So and you say that. And therefore he has not issued a notice under 143-2. Agar 143-2 ka notice issue hi nahi kiya, even if I don't make a protest, it is fine. Because that goes into the root of the matter. Okay? That's the way to go. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question, sir. Karan ji, Karan ji ka hai. Karan ji, aapko unmute kar diya, sir. Puchhe, sir. Namaskar, sir. Ajay ji, mera question ye tha ki appeal is filed with CIT and along with that, a separate petition for stay of demand is also been filed. Yes. But in the course of action, the order by the CIT appeals is being delivered over the matter. But the petition for stay of demand is not being squared before the order which has been passed. So, is it possible that the stay of demand which is not squared, the petition is not squared off or disposed of before delivering the judgment by CIT appeals? Because we find that since the petition was pending, the CIT appeal should have squared the petition of stay of demand first, then they should have given the delivery of the order. So, what is the view we should give? No, brother. Nothing turns against the order. You can't say that the order passed by the CIT appeal on merits in respect of the assessment made under 143 is invalid because he did not consider the application of stay made before him. No. वो एक अलग रेमेडी है और उस रेमेडी में एक और चीज बताऊं मैं आपको उसमें ब्रदर लॉट ऑफ कमिश्नर अपील्स आर ऑफ द व्यू दैट दे डू नॉट हैव द पावर टू स्टे द डिमांड नो बट सर वी हैव लॉट ऑफ प्लेथरा ऑफ जजमेंट्स आर देयर वेयर दैट इज ट्रू लेकिन सीआईटी इज हैविंग द पावर टू गिव द रिस्पेक्ट ऑफ स्टे ऑफ डिमांड एंड वो जो आपका एलजी का भी जो एलजी इंडिया का जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी हम लोगों ने साइट किया था मेंशनिंग दैट द 20% डिमांड इज नॉट मैंडेटरी वन इट इज एन ऑन प्रिंसिपल इट इज कंसिडर्ड बट इट इज नॉट मैंडेटरी अनफेटर्ड पावर नहीं है सो द स्टे ऑफ डिमांड एस्पेक्ट ऑफ द मैटर शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम सीबीआई अपील But I don't know, it was kept in abeyance and still date we have not received the... I'll tell you. See, these are two separate remedies. Ek yes, aapki remedy hai, hai na, they are two independent remedies, independent of each other. Yes, yes. Now, there is no law which says that unless you decide on the stay of demand, you can't pass an order of appeal. उसमें यही है कि आईटीआईटी में आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बट यस एडमिनिस्ट्रेटिवली आप उसकी खिंचाई कर सकते हो सीआईटी अपील की बट वो क्यों करना चाहोगे यार किस किस की खिंचाई करो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्रवीण गोयल जी का है इन्होंने टाइप करके पूछा था चैट बॉक्स में अब वो अनम्यूट है प्रवीण जी आप पूछ सकते हैं सर
हेलो हाँ जी प्रवीण जी सर अभी जो एक केस डिस्कस हो रहा था जो जैसे हमने कभी कोई रिटर्न पहले फाइल करी हुई और हम लेटर दे देते हैं कि इस कंसीडर एज ए फाइल अंडर सेक्शन 148 तो इट शुड बी प्रेफर कि हमें 148 में सेपरेट रिटर्न फाइल करनी चाहिए मतलब चाहे बेसिक डाटा वही हो नहीं आप प्रेफर वो आप कर सकते हो करो तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर ना भी करो तो वो लेटर देना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है कई हाई कोर्ट की जजमेंट है वेयर दे से इफ यू फाइल अ लेटर स्टेटिंग दैट द सेम शुड बी कंसीडर्ड और उसकी एक्नॉलेजमेंट लगा दो ठीक है जो पुराने की थी या उसी की कॉपी लगा दो दैट इज गुड इनफ सर वन मोर इज की एक सीआईटी से केस रिमांड रिपोर्ट होके आया एओ के पास एओ ने विटनेस करनी थी क्रॉस एग्जामिनेशन करना था कुछ स्टेटमेंट लेनी थी वो स्टेटमेंट ले ली स्टेटमेंट में कुछ मतलब अब जब हमारे पास रिमांड रिपोर्ट की कॉपी आ रही है तो उसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं मतलब कि वो टोटली ना मतलब वर्ड ही एक दो वर्ड डिफरेंस है जिस मतलब पर्सन की स्टेटमेंट हुई है और जो स्टेटमेंट अब हमारे पास आई है दोनों में फ़र्क है एक दो वर्ड का मतलब उसी में सारा केस हो रहा है अब सीआईटी ने हमारे को कहा कि आप रिमांड रिपोर्ट पे जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं आप कमेंट दीजिए अपना इसके ऊपर हमने उसके अगेन मतलब जो सबमिशन थी वो सीआईटी को अगेन दे दी कि ऐसा नहीं था जो भी ये स्टेटमेंट थी ऐसी मतलब मैंने उसके अगेन जो भी अपोज करना था वो कर दिया सर तो सर क्या सीआईटी दोबारा से उस विटनेस को बुला सकता है दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए देखो ऐसा है कि इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं एक तो ये एस्पेक्ट है कि जो स्टेटमेंट थी कि आपके सामने ली गई थी नहीं सर मेरे नहीं नहीं ली गई तो जब उसने स्टेटमेंट ली तो आपको उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दिया कि नहीं दिया नहीं मुझे नहीं दिया क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तो आपका राइट है ना अगर विटनेस है उसकी विटनेस है उसने बुलाया है किसी को स्टेटमेंट देने के लिए तो आपको तो क्रॉस एग्जामिनेशन देगा ना वो ठीक सर तो एक तो पहले आप डालिए कि मेरा राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है अनलेस आप उसकी जो आपकी विटनेस है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं देंगे यू कैन नॉट यूज द स्टेटमेंट एज एन एविडेंस ओके सर ठीक है तो दैट इज अ वेरी सीरियस अनोमली इन लॉ एंडमन टिम्बर का केस है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दी तो इंटायर एविडेंस हैज टू बी डिसरिगार्डेड एक चीज दूसरी चीज दूसरी चीज आप उस आदमी से जिसने स्टेटमेंट दी है एक एफिडेविट लगा दो कि साहब मैंने ये कहा ही नहीं था एंड व्हाट हैज बीन रिप्रेजेंटेड व्हाट हैज बीन स्टेटेड हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड वो एफिडेविट लगा दिया हमने वेरी गुड और इसलिए आप सीएटीपी को कहिए कि साहब देयर इज नाउ ये जो स्टेटमेंट ली है दैट हैज नॉट ऑन प्रॉपर ग्राउंड That's not a statement which is the truth. So kindly give me an opportunity to cross examine. या आप बुला लीजिए आपके सामने क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। एक लास्ट क्वेरी है। लास्ट। भूपेंद्र, ये अगर आदमी आदमी एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आपको 5,000 रुपए लेने चाहिए था बेंच का अपना फायदा क्यों नहीं करते ब्रांच का बट्टा बैठा जा रहा है बोलो सर ये जो 20% वाला जो डिपॉजिट का है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल एओ जो होती हैं वो बार बार मतलब पर्सनल लगा लो या फोन करते हैं कि सर ये जमा कराओ 20% क्लाइंट से कराओ जो कराओ और एक बॉम्बे का हाई की जजमेंट थी हमने वो लगाया कहते हम तो मानते नहीं सुप्रीम कोर्ट दे दो ना भाई कि 20% नहीं है जरूरी इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी हुई आप पढ़ लेना ठीक है थैंक यू है ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 से कम हो सकता है ठीक सर आपकी डिस्क्रिप्शन है ठीक है ना हाँ जी फेवरेबल रिपोर्ट अगर दे देता है तो सीआईटी अपील के लिए बाउंड है कि वो किस हिसाब से डिसाइड करे देखो बाउंड नहीं है लेकिन लेकिन आपको अगर फेवरेबल रिपोर्ट आ गई ट्राइब्यूनल जो है ना वो 100% दे देगा आपको क्योंकि दैट इज द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट CITP should also decide in your favor. He should not change. Unless उसके पास fresh facts है. अगर remand report में वो accept कर रहा है, तो CITP मामा लगता है. भाई assessing officer ही तो कह रहा है कि मैंने जो कहा है, मैं ये नहीं कहा, ये कहा है. And assessing officer ही तो department है. क्योंकि assessing ने favorable report दे दी, assess कर दिया, test खत्म कर दिया. It has to be. It has to be. Next question sir सूर्यकांत जी का है और इसने लिखा है कि मेरे दो question हैं. जी सूर्यकांत जी पूछिए नमस्कार सर नमस्कार
नमस्कार ब्रदर, नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली एक क्लाइंट पे 2013-14 में 8,90,000 का डिमांड आया, ठीक है। और जो डिमांड आया वो इसलिए आया कि उनको जो सैलरी मिलती थी, वो एज ए डायरेक्टर थे, तो उनका मतलब उनको एक फॉर्म 16 कुछ नहीं मिला, बट लेटर हेड पे सैलरी का डिटेल दे दिया और एट मतलब सारा TDS उन्होंने बता दिया कि हमने डिपॉजिट कर दिया। तो क्लाइंट ने उन्होंने अपना ITR फाइल करवा लिया, लेकिन 26 AS में था नहीं, तो उन्होंने डिमांड रेज कर दी अपनी और कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, इंसॉल्वेंट हो गई। तो फिर उन्होंने मतलब फिर उसे पेनल्टी ला के डिमांड दे दी और प्लस वही 20% का सीन क्रिएट कर दिया साथ में। तो इस केस में मैंने जो सिंपल रिप्लाई डाला उनको, एक तो अपना नोट लेटर डाल दिया कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, और साथ में जो कंपनी की तरफ से लेटर हेड पे रिप्लाई मतलब था कि भाई आपकी ये सैलरी गई है, प्लस आपने पास जो कंपनी से ईमेल कन्वर्सेशन था वो डाला। तो मेरे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया सर, क्या ये सेटिस्फाई है मतलब आंसर जो मैंने दिया? हाँ, कुछ उनका नहीं नहीं, अब देखो अब लिक्विडेटर आ गया है। लिक्विडेटर देखो उनके पास क्या पावर है कि एक तो सेक्शन 179 होता है। हाँ जी, 179 के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर असेसिंग ऑफिसर ये कह सकता है कि हम डायरेक्टर से रिकवरी करेंगे अगर डिमांड जो कंपनी की है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, हैज एरिजन बिकॉज ऑफ द मिसफेसेंस ऑफ द डायरेक्टर्स, उनकी गलती की वजह से डिमांड आई है। तो 179 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर से भी रिकवरी कर सकता है। आपके केस में 179 का ऑर्डर पास नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब असेसिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर से कोई रिकवरी नहीं की, उससे पहले लिक्विडेटर आ गया। अब डायरेक्टर को ही नोटिस आया ना उसकी सैलरी की रिटर्न पे, तो पहले चेक करो ना, पहले चेक करो ना कि डायरेक्टर को 179 के अंदर उसने ऑर्डर पास किया कि नहीं किया। नहीं नहीं सर, 143(1) का ही इंटीमेशन है सर। हाँ, तो वो कुछ नहीं कर सकता डायरेक्टर से, ले ही नहीं सकता। जब तक वो 179 का ऑर्डर नहीं पास करेगा तब तक डायरेक्टर से रिकवरी नहीं हो सकती। तो डिमांड डायरेक्टर की है। यस यस सर, सर डायरेक्टर मतलब एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे थे वो, तो और उसको TDS सर्टिफिकेट उनके पास है। हाँ, उनका नहीं, TDS सर्टिफिकेट नहीं है सर, वो लेटर हेड पे डाल के उन्होंने सारे डिटेल डाल बना के सैलरी की, और हमने हाँ, इतना TDS जमा कराया, उस बेस पे उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवा दी। हाँ, 26 AS में वो था नहीं, तो इनकम टैक्स ने 2013-14 का 143(1) में अपना डिमांड डाल दी। लेकिन TDS जमा हुआ भी है कि नहीं? नहीं, TDS इतनी जमा हुआ ना सर। ओहो, हाँ, वो 8,90,000 विद पेनल्टी लगा के भेज दिया सर वो। और देखो, जी 7 days के लिए बोला था, तो हमने मतलब मैंने मार्च में रिप्लाई डाला था, कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ डाला है, लेकिन देखो ऐसा है, देखो लॉ ये है कि अगर TDS काटती है कंपनी और आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है, हाँ जी, तो रिकवरी नहीं हो सकती इन द हैंड्स ऑफ द डिडक्टी जिसका TDS कटा है। जी सर, जी सर, ठीक है। लेकिन रिकवरी के साथ साथ क्रेडिट ऑफ टैक्स भी नहीं देंगे, लेकिन रिकवरी नहीं कर सकते। डिमांड रहेगी लेकिन रिकवर नहीं हो सकता, रिकवरी विल हैव टू बी फ्रॉम द कंपनी। तो सर इस केस में क्या हो रहा है कि पेनल्टी भी आगे से लगी जा रही है, 20% का दबाव अपना रखा था, अभी तो हमने कंडोनेशन ऑफ डिले वगैरह ये सब कुछ डाल रखा है। हाँ, तो क्लाइंट परेशान है कि भाई करे तो करे क्या, और साथ में उसका EPF PF की अमाउंट भी रुकी हुई है, मतलब 30-40 lakh के अंडर में पेमेंट कंपनी से लेनी है, बट लिक्विडेटर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसको, और कंपनी अपेक्स नाम से भी वो अपना डाउन। नहीं नहीं, आप अपनी एविडेंस दीजिए और चीफ कमिश्नर को लिखिए कि साहब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे को टैक्स काट के पैसा दिया गया है और TDS डिपॉजिट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उनसे रिकवरी करिए। ठीक है जी, आप करिए, फिर वो दे विल रिकवर। तो मतलब CIT को डालना ही पड़ेगा हमने? डालो, बीच में डालना ही पड़ेगा। एक्चुअली ऑनलाइन जो सबमिशन थी फाइलिंग में वो डाल दी, प्लस हमने AO को क्या कहते हैं उसकी ईमेल आईडी पे भी डाल दिया, बट 2 महीने से थी, वैसे 4 महीने से लॉकडाउन है, मार्च में डाला था। नहीं नहीं, आप ऊपर तक जाओ, इसमें ऊपर तक जाओ, तभी मेरे ख्याल से सर कुछ होगा। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकवरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आजकल जो मोस्टली केसेस आ रहे हैं ना अपील में, वो आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 143(1) की इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके स्लॉट हो गया, कोई शेयर
देखो जो 143(1) के होते हैं ना उसमें स्कोप बड़ा लिमिटेड है एओ का. एओ अपने आप को हीरो बन जाता है, वो कोई डिसीजन ले लेता है. कोई भी डिबेटेबल इशू है उसके ऊपर 143(1) नहीं हो सकता. जिस इशू के ऊपर कोई टू व्यूज है 143(1) कर ही नहीं सकता. वो ही कैन ओनली डू रेक्टिफिकेशन, ही कैन ओनली डू एरर, जो आपके कंप्यूटेशन के एरर हो गए 143(1) के अंदर, बड़े सिंपल उसकी जो अरिथमेटिक कंप्यूटेशन है उसी के ऊपर कर सकता है. सर मोस्टली तो क्या होता है सीपीसी बेंगलुरु ही करके भेज देता है, उसके बाद हमें अपील में जाना पड़ता. यार क्या करें, अब देखो ना ये तो लोगों को समझ है नहीं, बट आपके लिए फायदा है. अपील में जाके एक मिनट में टूट जाएगा क्योंकि 143(1) में हो ही नहीं सकती है एडिशन. हाँ तो अपील भी टूटेगी, अपील में टूटेगी बिकॉज 143(1) का स्कोप बड़ा लिमिटेड है. इवन जो ESI PF है वो भी नहीं आप जोड़ सकते क्योंकि डिबेटेबल इशू है ये. वो तो डिबेटेबल है ही. तो डिबेटेबल पे आप कैसे जोड़ दोगे आप 140, लेकिन कर रहे हैं लोग तो करोगे. आपने मुसीबत है उनको 143(2) का नोटिस इश्यू करके सूट नहीं कर सकते. लास्ट क्वेश्चन सर नीतीश चुग जी का है, और नीतीश जी आप पूछिए सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मैं इसी जो अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था आपने डायरेक्टर सैलरी वाला, उसी से ही रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहा था कि डायरेक्टर जो है उसको तो एनीवे हमेशा पता ही होता है कि कंपनी ने टीडीएस डिपॉजिट किया है या नहीं किया है. तो डायरेक्टर कैन नॉट से कि कंपनी ने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया और लेटर हेड पे लिखवा लिया दूसरे डायरेक्टर से. यू कैन नॉट से दैट कि कंपनी ने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया और अपने रिटर्न फाइल कर दे और टीडीएस अपना टैक्स डिपॉजिट ना करे. देखो वो एक दैट आई एग्री नीतीश, बड़ा अच्छा पॉइंट है तुम्हारा. वो मैलाफाइड्स की बात है यस, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन इज ऑफ लेट अस से मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का एंड आई एम ए प्रोफेशनल डायरेक्टर और मेरे को सैलरी आ गई. देर इज़ ए बिग कंपनी जो जिनका अलग एक डिपार्टमेंट है वो सैलरी काटती है, टीडीएस काटती है, देती है उस पर. अब सैलरी मेरे को टैक्स काट के दिए जा रही है, मैं उसका उसका क्रेडिट भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लायबिलिटी तो बुक्स में आएगी ना अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो. दैट कैन ऑल्सो कभी किसी भी टाइम पे कॉरोबेट हो सकता है कि इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द डायरेक्टर. सो व्हाट इवन इफ इट इज इन द नॉलेज ऑफ द डायरेक्टर, मैं क्या करूं? आई विल टेल देम कि भाई जमा रिकवर करो दो, अदरवाइज गिव मी द मनी. अदरवाइज अब मैं डबल जेपर्डी कैसे कर लूं, मेरा वहां भी नुकसान हो गया. वो मेरे को दे नहीं रहे, मान लो मैं जानता हूं. लेट अस से आप दूसरे डायरेक्टर हो, यू आर इन कंट्रोल, यू आर नॉट डिडक्टिंग, यू आर नॉट पेइंग, सो व्हाट. You have deducted on my behalf. You have given me the net amount. I think it's the principal officer which has control, which is responsible for not the director. So, Nitish, chal jayega. Chal jayega. Sunil sir, thank you very much sir. और बड़ा अच्छे से डिलीवरी किया सर आपने, और आपका भी धन्यवाद सर, और आपके साथ जो आपका गूगल स्टाफ है, तो कितनी जल्दी तो गूगल भी जानकारी नहीं देता. सुनो ये है गूगल का स्टाफ है, देखो एक ये है और एक ये है, नमस्कार, और एक ये है, ये सब ये है, तो ये सारा फटाफट. सर मैं वही देख रहा था कि इतनी जल्दी तो सर गूगल पे टाइप करते वहाँ पे लिंक ढूंढने में टाइम लगेगा हमारे को कि रेलेवेंट कौन सा है, लेकिन आपको तो सर रेडीमेड इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी जल्दी मिल रही है. थैंक यू पूरी टीम का सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं चाहूँगा कि सर ब्रांच के चेयरमैन सर को एक बार वोट ऑफ थैंक्स बोले. जी सर सुरेश सर, ओवर टू यू सर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट कर रही है बैक एंड पे. तो मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से जितने भी मेंबर्स आज हमें सुन रहे हैं, बल्कि हमें क्या सुन रहे हैं, वो बदवा जी को सुन रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much. Thank you. Okay. अजय सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट मंथ में हम एक प्लान करेंगे सर कोई ना कोई टॉपिक. तो विद द ड्यू परमिशन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन सर पहले मेरे को मैसेज डाल चुके हैं कि सर का एक सेशन और करवाओ. तो क्योंकि सर दिल भरा नहीं है अभी. नहीं, सर्टेनली इट विल बी अ प्लेजर. लेकिन 14 तारीख को लिंक भेजूंगा मैं तुमको, तो सबको आप दे दो. और सर जितना मटेरियल आपने बोला है कि आज देने के लिए, वो सर आप मेरे को डाल दीजिए. मैं अभी आपको डाल देता हूं. और जितने अच्छे से आपने डिलीवरेट किया सर, मतलब इस लेवल पे शायद ही कोई इतना अच्छे से डिलीवरेट करता है.
क्योंकि बड़ा हाई फाई नॉलेज आपने डिलीवर किया सर, विद वेरी सिंपल और माइनर लेवल पे आपने बड़ी बारीकियां बताई। ये तुम्हारा हुक्म था, तुम्हारा हुक्म था, ऐसे ही होना था। अरे सर हुक्म नहीं, हम तो सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है, हमारे ब्रांच के चेयरमैन, देखिए सर सोनीपत ब्रांच के चेयरमैन, ईबीसीसी के चेयरमैन और ऑल मेंबर जो यहाँ पर कंक्रीट, देखिए सर सबके चेहरे पर मुस्कान है, सब खुश है, सभी के सब इतना खुश है दिल से कि इतना अच्छा डिलीवरेशन हुआ, सबको समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू डियर, ओके बाय बाय, नमस्कार। That's nice.